गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल सारे नू। गुड इवनिंग नैन्सी, गुड इवनिंग मदन, गुड इवनिंग सतविंदर, गुड इवनिंग मान, गुड इवनिंग प्रीति। सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सत श्री अकाल सारे नू। एक बार बता दो, ऑडिबल एंड क्लियर है या नहीं? हाँ जी, ओके जी। तो आज हमारा लास्ट लेक्चर है स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर हम बात करें इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट हमने देखा कि जो जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बन सकते थे उन सबको हमने अच्छे से कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। और अगर हम बात करें, आज का लेक्चर थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। और आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि प्लीज़ आप डिटेल में जाने की कोशिश मत कीजिएगा। मान लीजिए हम कन्वेंशन पढ़ेंगे, प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे, और पेपर में ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। मतलब कि जिस लेवल का भी एग्जाम देने जा रहे हैं वहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है कि ये कन्वेंशन, ये प्रोटोकॉल किस चीज से संबंधित है। उसमें ज्यादा डिटेल में, डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैंने एक यहाँ पर थोड़ा सा बैकअप रखते हुए, मतलब कि थोड़ा सा प्रिकॉशन लेते हुए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड किया। तो प्लीज आप ज्यादा डिटेल में जाने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना मैं करा रहा हूँ आप उतना कर लीजिएगा, तो भी बहुत सफिशियंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ जी, क्लियर। तो आज के लेक्चर में हम प्रोटोकॉल्स और ये जो कन्वेंशन है उनको लेकर हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए जी, ओके। सो आज लास्ट लेक्चर है, ठीक है। हाँ जी अमर सिंह, फिजिक्स केमिस्ट्री मैं कोशिश करता हूं, मैं कल आपको फिजिक्स केमिस्ट्री शुरू करा दूं। एक एक लेक्चर बेसिक बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री का हो जाएगा, ठीक है। बायो मैं नहीं करा पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि बायो मेरा सब्जेक्ट रहा नहीं है कभी। बायो मैं नहीं करा पाऊंगा, बायो कोई और आपको सर करा देंगे, ठीक है, या सर या मैम जो भी होंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे पास। गुड इवनिंग दक्ष जी, गुड इवनिंग गुरप्रीत। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एनवायरमेंटल कन्वेंशन। तो सबसे पहले हम लास्ट लेक्चर में जो हम कर रहे थे उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कार्टेजेना प्रोटोकॉल, ठीक है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल क्या है? सो व्हाट अबाउट कार्टेजेना प्रोटोकॉल? सो यहां पर आप देखिएगा, इसको उसका पूरा नाम क्या है, ट्रीटी ऑफ कार्टेजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी टू कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब ये कहने का मतलब क्या है, मैं आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे ये थोड़ा सा यहां पर जब आप पढ़ोगे थोड़ा टिपिकल आपको दिखाई देगा, मैं आसान शब्दों में देसी लैंग्वेज आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए गोल्डन राइस है, ठीक है, मान लीजिए गोल्डन राइस है। अब ये गोल्डन राइस क्या है? ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है। जेनेटिकली मॉडिफाइड मैंने आपको बताया था कि जीन्स में मॉडिफिकेशन करना, ठीक है, जैसे इंडिया में एक ही जीएम क्रॉप अलाउड है, बीटी कॉटन। तो इसी तरह से गोल्डन राइस भी हमारे पास क्या है, ये विटामिन ए से एनरिच होते हैं और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। अब मान लो, टेक द एग्जांपल, एग्जांपल ध्यान सुनना, इंडिया जो है वो यूएसए से गोल्डन मॉडिफाइड राइस इंपोर्ट करता है। इंडिया ने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट का मतलब यहां पर खरीदा, मंगवाया गोल्डन राइस। तो यूएसए की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसको लेकर, गोल्डन राइस को लेकर सारी इंफॉर्मेशन कि वो किस टाइप का एक, अब ये लिविंग, अब जब ये यहां पर इसको राइस को उगाएंगे तो लिविंग एंटिटी में कन्वर्ट तो हो ही जाएगा ना, तो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और इससे रिलेटेड जो भी हमारे पास क्रॉप वगैरह होगी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहां पर है जो यूएसए है वो इंडिया के साथ शेयर करेगा। सरल भाषा में जब भी कोई हम ऐसी क्रॉप मंगवाएंगे या ऐसा कोई प्रोडक्ट हम इंडिया में लेकर आएंगे तो उसका एनवायरनमेंट के ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट ना पड़े, उसको रोकने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन गैदर जो है वो करेंगे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंट्री, जिस कंट्री से वो प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है। हाँ जी, क्लियर। हाँ जी, ध्यान से सुनिएगा इस आसान शब्दों में और इसको सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। सो द फुल फॉर्म ऑफ द ट्रीटी इज कार्टेजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी टू कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो इंटरनेशनल ट्रीटी है कंसर्न विद द मूवमेंट ऑफ एलएमओज। एलएमओज हियर मींस लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स रिजल्टिंग फ्रॉम मॉडर्न टेक्नोलॉजी फ्रॉम वन नेशन टू अनदर। अब यहां पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, जब ये प्रोटोकॉल की बात होगी
तो आपने याद रखना है एक नेशन से दूसरे नेशन में जब ट्रांसफर हो रहा है, इसको अडॉप्ट कौन से ईयर में किया गया था, 2000 में, और ये फोर्स में कब आई, 2003 में। ओके, 2000 में इसको हमारे पास इंट्रोड्यूस किया गया, और फोर्स में कब हुई, लागू कब से हुई, 2003 से हमारे पास जो प्रोटोकॉल है वो लागू हुआ। सो अब यहां पर देखिएगा, द प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड इन मॉन्ट्रियल इन 2000 बट नेम्ड आफ्टर कार्टगेना। अब ये एग्जिस्टेंस में कब आया, 2000 में आया था। देखो यहां पर भी मैंने मेंशन किया है कि प्रोटोकॉल अडॉप्ट कब हुआ, 2000 में, ठीक है। अब ये मॉन्ट्रियल में, मॉन्ट्रियल कहां है, कनाडा में, वैसे ही कार्टगेना प्रोटोकॉल कहां पर अडॉप्ट हुआ था, मॉन्ट्रियल कनाडा, मॉन्ट्रियल इन कनाडा, ठीक है, इन 2000 बट नेम्ड आफ्टर कार्टगेना द ओरिजिनल सिटी इन कोलंबिया वेयर द प्रोटोकॉल वाज सपोज टू बी अडॉप्टेड। मतलब होना तो ये हमारे पास कोलंबिया कार्टगेन में था, लेकिन वहां पर नहीं हो पाया, तो बट फिर भी हमने इसका जो नाम रखा है वो उसी के नाम पर रखा है। आपने याद रखना है कार्टगेना जो सिटी है वो कहां पर है, दैट इज इन कोलंबिया। सो यहां पर आप देखिएगा कि पोटेंशियल रिस्क क्या हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकता है जब किसी आप लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहां पर कुछ इस तरह से मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है। इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, हाँ जी ध्यान दीजिएगा, इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। पहली चीज है द प्रोटोकॉल प्रोविजन फॉर एडवांस इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, AIA। अब एडवांस इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट का मतलब क्या है, जैसे मैंने बताया कि यूएसए से मान लो हमने गोल्डन राइस इंपोर्ट किया, कुछ भी इंपोर्ट किया, LMO, कुछ भी LMO इंपोर्ट किया हमने यूएसए से, तो यूएसए के साथ एक एग्रीमेंट होगा हमारा, जिसको हम क्या कहेंगे, एडवांस इन्फॉर्म एग्रीमेंट, एडवांस इन्फॉर्म एग्रीमेंट, जिसमें इंफॉर्मेशन जो यूएसए हमारे साथ शेयर करेगा, कंफर्म है वो करना पड़ेगा यूएसए को एज पर दिस प्रोटोकॉल। इसके अलावा एक ग्रुप, एक हमारे पास और सिस्टम बनेगा, दैट इज बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस, BCH, जिसका काम होगा इंफॉर्मेशन दोनों के बीच में। मान लो टेक द एग्जांपल, एग्जांपल के तो समझाता हूं, यूएसए से इंडिया ने प्रोडक्ट इंपोर्ट किया LMO कोई भी, और यूएसए ने उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन इंडिया को प्रोवाइड कर दी, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया को कुछ समय बाद कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिली, यूएसए को जो नहीं पता थी इंडिया को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कुछ मिल गई, तो इंडिया वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यूएसए के साथ शेयर करेगा, और वो शेयरिंग कहां होगी, इन BCH, बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस। वो इंफॉर्मेशन कहां शेयर होगी, बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, देखो इंपोर्टिंग कंट्री जो इंपोर्ट कर रही है, जो मंगवा रही है, जैसे इंडिया, ठीक है, कहां से मंगवा रही है, एक्सपोर्टिंग कंट्री, यूएसए से। तो यहां पर देखो एडवांस नोटिफिकेशन फॉर एक्सपोर्ट जाएगा यूएसए की तरफ से, रिले रिसिप्ट, इंफॉर्मेशन डिजन ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट LMO वेयर व्हेन अप्रूवल। तो कुछ इस तरह से जो सिस्टम है वो चलता है, एंड दैट इज कॉल्ड कार्टगेन प्रोटोकॉल। हाँ जी क्लियर, कार्टगेन प्रोटोकॉल। तो कार्टगेन प्रोटोकॉल क्या है, जब भी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजा जाएगा, तो जो कंट्री जो एक्सपोर्ट कर रही है वो इंपोर्ट करने वाली कंट्री को सारी इंफॉर्मेशन शेयर करेगी कि क्या क्या थ्रेट हो सकते हैं एनवायरनमेंट को लेकर, जब आप इस ऑर्गेनिज्म को वहां पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हाँ जी बताइए जी, समझ आया या नहीं आया? नहीं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नहीं बोलते। हाँ जी बच्चों, बस बच्चे आपने दो तीन चीजें याद रखनी है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं अगर किसी को डाउट भी है, कि जब भी हमारे पास कार्टगेना प्रोटोकॉल की बात होगी, कार्टगेन प्रोटोकॉल में याद रखना, दैट इज सब्जेक्टेड टू लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, LMO को रिलेटेड है, LMO को लेकर बात होती है, ठीक है। प्रीति बच्चे आखिरी दिन तो मुझे बख्श देते हैं, आज तो लास्ट डे था एनवायरमेंट का, फिर वही बात, नोट्स नहीं मिले, नोट्स ऑलरेडी जा चुके हैं, प्लीज यार नोट्स की बार बार बात करते रहते हो। बाकी बच्चे बताना नोट्स मिले या नहीं मिले, जरा बाकी बच्चे जरा कमेंट करके बताइए कि नोट्स मिले या नहीं। ओके, मैं ये बोल रहा था कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हमारे पास जब LMO होगा, LMO का मतलब लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को लेकर कोई भी एग्रीमेंट होगा, तो जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है वो इंपोर्ट करने वाली कंट्री को सारी इंफॉर्मेशन देगा, और इसको नाम दिया जाएगा एडवांस इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट, AIA। और बाद में इंफॉर्मेशन को आगे भी कंटिन्यूसली शेयर करने के लिए एक सिस्टम बनेगा, जिसको नाम दिया जाएगा BCH, दैट इज बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस।
हाँ तो ऐप पे ही आते हैं, संध्या सचदेवा वो नहीं मिले बच्चे आपको तो फिर मिलेंगे ही नहीं कभी जिंदगी में, पेपर के बाद निकाल देना है। जब ऐप पे यार हर रोज लेक्चर में बता के जाता हूँ मैं कि ऐप पे नोट्स अवेलेबल है, मैं फिर घूम फिर के वही चीज आ जाती है। सर लिंक कर देना इसमें वो नोट्स के लिए। ऐप डाउनलोड करने में क्या दिक्कत है मुझे बता दो, ऐप डाउनलोड करने में क्या दिक्कत है? फोन की ज्यादा बैटरी कंज्यूम हो जाएगी या फोन का डाटा ज्यादा यूज हो जाएगा? है छोटे बच्चों की तरह पेपर सपना, तुम सोचते हो कि तुम इंस्पेक्टर लगा दिया जाए, हैं नोट्स तुमसे डाउनलोड नहीं हो रहे, तुम खुद सोच के देखो यार फिर मैं क्या कहूँ। हैं अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हें गवर्नमेंट इंस्पेक्टर लगा दे, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, यार कुछ तो खास बात हो तुम्हारे में। अब सिंपल सी बात है, ऑल दी बेस्ट मदन लाल जी, ऑल दी बेस्ट, बेस्ट विशेज विद यू। अब एक बार मेरी बात ध्यान सुनना भाई, पोस्ट आती है कितनी, 1,000 2,000, ठीक है, उसके लिए बच्चे बैठेंगे 2 लाख 3 लाख है। अब एक बार बताओ 3 लाख बच्चों में से मान लो 1,000 बच्चे सिलेक्ट करने हैं, कुछ तो खास बात होगी जो बच्चे सिलेक्ट होंगे या हर कोई इंस्पेक्टर बन जाएगा? हैं तो प्लीज यार छोटी छोटी बातों को जो है समझ लिया करो, एक बार एक बात को एक बार में समझ लिया करो, ठीक है। मान लो कोई टॉपिक नहीं, कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा वो अलग बात है, लेकिन नोट्स को लेकर हर रोज वही बात, रोज हर लेक्चर में मैं नोट्स को लेकर बताता हूँ। है आज तो आखिरी दिन था, मैं कहा चलो आज कोई इंटरेस्टिंग बात होगी, कुछ अलग बात होगी, लेकिन हम तो पहले से लेक्चर से लेकर अब तक नोट्स भी अटके हुए हैं। ओके तो ये हमने समझ लिया कार्डिगेना प्रोटोकॉल, कार्डिगेन प्रोटोकॉल। अब हम नेक्स्ट प्रोटोकॉल की तरफ चलते हैं, नगोया प्रोटोकॉल। लेट्स टॉक अबाउट द न्यू प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, ठीक है। अब देखो मेरी बात ध्यान सुनना, नगोया प्रोटोकॉल किसके ऊपर बात करता है कि इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एग्रीमेंट ऑन द यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी। अब इसका मतलब क्या है देखो, पहले तो बच्चे ध्यान से एक बात सुनना कि ये नगोया एक सिटी का नाम है जो कि कहाँ है, जापान में, ठीक है। नगोया एक सिटी है जो कि कहाँ है, जापान में, ये बात याद रखना, ठीक है। अब यहां पर द प्रोटोकॉल, ठीक है, वाज अडॉप्टेड इन 2010 इन नगोया जापान, और ये फोर्स में कब आया, अक्टूबर 2014 में आया, ठीक है, अक्टूबर 2014 में हमारे पास ये एक्टिव हुआ। अब इसमें आप ध्यान से सुनिएगा, यहां पर क्या कहा जा रहा है कि जो जेनेटिक रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, अब जेनेटिक रिसोर्सेज का मतलब जीन्स को लेकर जो भी इंफॉर्मेशन होती है आपके पास, किसी प्लांट एनिमल को लेकर जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज या जेनेटिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको आप बाकी कंट्री साथ शेयर करेंगे। तो सिंपल सी बात क्या है, आसान शब्दों में या दो शब्दों में अगर मैं बात कहूं, नगोया प्रोटोकॉल इज सब्जेक्टेड टू जेनेटिक रिसोर्स इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। आसान शब्दों में बात इतनी है, जेनेटिक रिसोर्स इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्रोटोकॉल, कि आपके पास कोई भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो आप वो एक दूसरे कंट्री साथ शेयर कीजिए। अब ये प्रोटोकॉल एग्जिस्टेंस में कब आया था, एग्जिस्टेंस में 2010 में, हमारे पास अडॉप्ट हुआ 2010 में, फोर्स में कब आया, 2014 में। अब देखो बच्चे पेपर में आपको बता दूंगी मैं, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला, आपसे ये नहीं पूछेंगे कि इन्फॉर्मेशन शेयर कैसे होती है, कौन फोन करके किसको बताता है, ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि नगोया प्रोटोकॉल जो हमारे पास इन्वायरमेंट से सब्जेक्टेड है वो किस चीज को लेकर बात करता है। हाँ जी क्लियर, बताइए जी नगोया प्रोटोकॉल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ जी कोर्स कौन सा बाय करना है अमर सिंह, कोर्स तो फ्री है बच्चे, अमर सिंह कोर्स बाय करने को किसने कहा, कोर्स तो बाय करने की जरूरत ही नहीं है, किसने कहा तुम्हें कोर्स बाय करना है, ये तो कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, टेस्ट सीरीज पेड है, वो तुम्हारी लेना ना लेना तुम्हारी इच्छा है।
सर ये जो पीपीएससी के लिए सिलेबस, शानू राणा जी जो करा रहे हैं वो उतना ही बहुत है, ठीक है शानू राणा बच्चे, जो ये हम जो लोअर हमारे पास इंस्पेक्टर लेवल तक के जो पेपर हैं, क्लर्क से इंस्पेक्टर लेवल तक के पेपर हैं उसके लिए इनफ है, उससे ज्यादा हाई लेवल पे जाना होगा जैसे मान लो स्टेट सिविल सर्विस के लिए, तो उसके लिए अलग से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके जी, गुड इवनिंग निशु जी। अब मेरी बात अच्छा ध्यान से सुनो, चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे, इधर उधर की बातें छोड़ो। हमारे पास एक क्वेश्चन बताओ, एनवायरनमेंट से अलग है थोड़ा, जापान की बात हो रही है तो जापान से रिलेटेड क्वेश्चन है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कौन सा फ्रेमवर्क चलता है पूरे वर्ल्ड में, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है? ये एनवायरनमेंट थोड़ा अलग क्वेश्चन है लेकिन पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऋचा गुप्ता का सबसे पहले आंसर है, वेरी गुड ऋचा गुप्ता, ऐसे आंसर आना चाहिए, ऐसा ऐसा आंसर करो कि अच्छा लगे, मतलब मजा आ जाए, ठीक है। सेंडाई फ्रेमवर्क, सेंडाई जापान की एक सिटी का नाम है, सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, मैनेजमेंट की जगह रिडक्शन आएगा वैसे तो। यहां पर याद रखना एक हमारे पास फ्रेमवर्क और है, लेकिन ये एनवायरमेंट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पेपर में क्वेश्चन आ सकता है सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ये क्या है एक्चुअली, जापान में एक मीटिंग हुई थी जहां पर डिजास्टर के इंपैक्ट को रिड्यूस कैसे किया जाए, तो उसके लिए कहा गया कि कुछ प्रोटोकॉल्स है, कुछ नियम है, उनको उनका पालन होना चाहिए, ठीक है। सो कुछ नियम है, कुछ प्रोटोकॉल्स है, उनका पालन होना चाहिए पूरे विश्व में, तो उसको नाम दिया गया सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। जैसे कि नगोया प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल हमारे पास क्या बात करता है कि जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनका आप सही तरीके से इस्तेमाल करो, और उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो आपस में दूसरी कंट्री साथ शेयर भी करो, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन है वो बाकी कंट्री साथ शेयर भी करो, सो दैट इज नगोया प्रोटोकॉल। यहां तक किसी ने कुछ पूछना है तो जल्दी से पूछ लो। हाँ जी स्टूडेंट्स, यहां तक किसी ने कुछ पूछना है जल्दी से पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, सबको क्लियर है यहां तक? चलिए बच्चे, बिल्कुल सिंपल, आज का लेक्चर बिल्कुल सिंपल है, लेकिन मैं बता दूं कि यहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। एक बार बस समझ, ध्यान से सुन लो, समझ लो, याद रखो और पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट कराओ। हाँ जी क्लियर, बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास पेरिस एग्रीमेंट 2015, जिसको हम पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज भी बोलते हैं, ये आपने बहुत बार न्यूज में सुना होगा। हाँ जी क्लियर, दैट इज नोन टू बी। पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, ये आपने बहुत बार न्यूज में सुना होगा, और हमने पिछले लास्ट लेक्चर में भी इसके बारे में बात की थी जब हमने COP26 की बात की थी, तो ये COP21 था। हाँ जी क्लियर, जिसको पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज कहा जाता है। क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हमारे पास यहां पर काफी हद तक बात होती है, इवन अभी हमारे पास अगर आपने जो बाइडन की स्टेटमेंट सुनी हो, रिसेंट स्टेटमेंट में जो बाइडन ने क्या कहा कि रशिया का दुश्मन ना तो यूएस है ना बाकी कोई और कंट्री है, साइबेरिया है। अभी साइबेरिया उसका दुश्मन कैसे हो सकता है? एक्चुअली यूएस का यहां पर कहना ये था, एक्चुअली यूएस क्या कन्वे करना चाहता था कि हमारे पास जो रशिया के ज्यादातर एरियाज हैं वहां पर बर्फ बहुत तेजी से मेल्ट हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। रशिया को यूक्रेन पे अटैक करने की बजाय या दूसरी कंट्री से अपनी दोस्त जमाने की बजाय या ये दिखाने की बजाय कि रशिया बहुत पावरफुल है, उसको उस एरिया पे ध्यान देना चाहिए जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो प्रॉब्लम में जो एरिया है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर उसे ध्यान देना चाहिए, जिससे अल्टीमेटली अगर वो ध्यान नहीं देगा तो अल्टीमेटली उसी का नुकसान होने वाला है, तो वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है।
तो कहीं ना कहीं हम घूम फिर कर बार बार किस चीज की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। तो हमारे पास देखिए ध्यान सुनिएगा, COP21 हमारे पास जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 2015 वाली जो मीटिंग थी, हर साल मीटिंग होती है, UNFCCC हर साल मीटिंग कराता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो 2015 वाली मीटिंग कहां हुई थी, पेरिस में हुई थी। और मैंने आपको बताया था कि यहां पर इंडिया ने और फ्रांस ने मिलकर, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर ISA को भी लॉन्च किया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी लॉन्च किया था इंडिया और फ्रांस ने मिलकर। अब यहां पर देखो कि पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज अडॉप्ट कब हुआ, अगर हम बात करें 2015 में 196 कंट्रीज ने इस पे साइन किए, ठीक है। अब यहां पर 2015 में आया और फोर्स में कब है, 2016 में। टारगेट क्या है, कहना क्या चाहता है इसमें, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है इन दो लाइनों में। ऑब्जेक्टिव जो है इंडिया का, इंडिया क्या टारगेट है, बाकी इसका ऑब्जेक्टिव क्या था वो भी हम डिस्कस करते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करना। लेकिन इंडिया ने यहां पर 2015 में क्या कमिटमेंट की, इंडिया ने क्या कहा, इंडिया ने क्या कहा कि 2005 में हम जितना पॉल्यूशन करते थे, ध्यान सुनना, अंतर सर ने परसेंटेज पढ़ाई होगी आप लोगों को, 2005 में अगर हम पॉल्यूशन करते लेट से 100, तो परसेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज का हिस्सा है ना, परसेंट। तो 100 का हमारे पास 2005 में हम जो पॉल्यूशन करते थे, मान लो 100 था, तो 2030 में हम कितना पॉल्यूशन करेंगे, इसके 33-35% कम। 35% अगर मैं कम कर दूं, अगर मैं 35% कम कर दूं तो बचता है केवल 65। यानी कि 2005 में अगर 100 पॉल्यूशन हम कर रहे थे तो 2030 में जाके हम सिर्फ 65 ही करेंगे। अब ये बहुत मुश्किल टारगेट है, क्यों, क्योंकि हर रोज हमारी एनर्जी कंजप्शन बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की खपत। अब एक बात ध्यान से सुनना, 2005 में जितने व्हीकल थे आज 2022 में उससे ज्यादा व्हीकल है, यानी ज्यादा पेट्रोल डीजल हमारे पास खपत हो रही है, ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। लेकिन हम यहां पर क्या कह रहे हैं कि हम फिर भी कम करेंगे और 2005 के लेवल को बेस रखेंगे। परसेंटेज में बेस होता है, अंतर सर ने पढ़ाया होगा, परसेंटेज में बेस होता है जहां से कंपैरिजन किया जाता है। अगर मैं कहूं, मेरी बात ध्यान सुनना, अगर मैं कहूं कि मेरी हाइट बढ़ी है, इंक्रीज हुई है, तो कब से बढ़ी है, कल से आज में बढ़ गई, नो, मैं कहूंगा मेरी 10th क्लास में जितनी हाइट थी आज मेरी हाइट उससे ज्यादा है। अब बेस क्या हो गया, 10th क्लास। उसी तरह से यहां पर परसेंटेज के लिए बेस क्या हो गया, 2005, 2005 में जो पॉल्यूशन कर रहे थे, 2030 में इस पॉल्यूशन का हम केवल केवल और केवल 65% ही रखेंगे। मतलब कि रिडक्शन कितनी करेंगे, 35% रखेंगे, कितना बचेगा, कितना, 65%। समझ आया या नहीं आया? हां जी, ये टारगेट आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया का पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्या टारगेट है, टारगेट बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों। टारगेट कंप्लीट होगा रिशपिंदर जी, टारगेट कंप्लीट करने के लिए काम चल रहा है बहुत तेजी से। आप थोड़ा सा अगर करंट पढ़ते तो आपको पता होता कि बहुत तेजी से गवर्नमेंट काम कर रही है, क्लियर। हाँ, लेकिन अमर सिंह 35% किसका कम करना है, 2005 का, ठीक है, 2005 लेवल का। अच्छा, पेरिस एग्रीमेंट में मेन क्या कहा गया, पेरिस अकॉर्ड क्या बोलता है, मतलब कि पेरिस क्लाइमेट और क्लाइमेट चेंज का एक्चुअली में एजेंडा क्या था, क्या उसमें बात की गई थी, आइए यहां पर उस चीज को भी समझने की कोशिश हम करते हैं। सो लीगली बाइंडिंग है, इंटरनेशनल ट्रीडी है। लीगली बाइंडिंग का मतलब आपको मानना ही मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आपसे बोला गया कि कर लो या नहीं कर लो, हो सकता है नहीं देख लो, ये लीगली बाइंडिंग है। यानी अगर कोई कंट्री अपने टारगेट्स को फुलफिल नहीं करता तो बाकी की कंट्रीज उसके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। सो बेसिकली इट्स अ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीडी। किसकी बात कर रहा हूं मैं, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड की, यानी कि पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज की बेसिकली बात कर रहा हूं। तो 196 कंट्रीज ने इसमें हमारे पास इस चीज को अडॉप्ट किया था। आपको बता दूं कि यूएस ने, यूएस के जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए को से बाहर निकाल लिया था, लेकिन जो बाइडन ने कहा कि नहीं हम फिर से इसको ज्वाइन करेंगे पेरिस अकॉर्ड को। अब मेरी बात ध्यान सुनना, डोनाल्ड ट्रंप के तो कहने ही क्या, मतलब कि लाइक दुनिया में एक से एक आपको
महान लोग मिलेंगे, महान विचारक मिलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का अलग ही लेवल है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि क्लाइमेट चेंज कहाँ है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि क्लाइमेट चेंज कहाँ है, क्लाइमेट चेंज तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके टाइम पर यूएसए में एक्सट्रीम विंटर्स देखने को मिली थी, उस समय यूएस में एक्सट्रीम विंटर्स देखने को मिली थी। टेम्परेचर जो था वो -50 -60 डिग्री चला गया था कुछ जगहों पर यूएस के अंदर। तो मैं एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना, पे अटेंशन। क्लाइमेट चेंज का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि गर्मी ही ज्यादा पड़ेगी। क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है, हमारे पास एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। उसमें मैक्सिमम विंटर भी है, मैक्सिमम समर भी है, मतलब कि बहुत ज्यादा अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक सर्दी, दोनों चीजें इंक्लूड है, और अत्यधिक बारिश भी। ठीक है, एक्सट्रीम विंटर, एक्सट्रीम समर, एक्सट्रीम रेन, दे ऑल कलेक्टिवली कॉल्ड एज क्लाइमेट चेंज। तो उन बेवकूफ को कोई क्या समझाए कि क्लाइमेट चेंज का मतलब यही है कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, यूएसए में इतनी सर्दी क्यों हुई, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूं आपको, ठीक है, ज्योग्राफी से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग चीज सुनाता हूं, ध्यान सुनना। एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है जो एग्जाम बोर्ड से भी रेलिवेंट है। अब यूएसए में और कनाडा में कई एरिया में जब विंटर्स आएंगी ना, तो बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल की ठंड होगी, जो पहले नहीं हुआ करती थी, अब होने लगी है। ऐसा क्यों? देखो, हमारे पास अगर मैं बात करूं, ये मान लो थोड़ी देर के लिए अर्थ, तो यहां पर नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है। अब यहां पर दोनों जगह पे नॉर्थ और साउथ पोल पे क्या जमी हुई है, बर्फ जमी हुई है। अब ये बर्फ क्यों जमी हुई है, क्योंकि पोल्स पे सनलाइट मिनिमम मिलती है, हमारे पास मैक्सिमम कहां होती है सनलाइट, इक्वेटर पे। मैक्सिमम सनलाइट कहां होती है, इक्वेटर पे, पोल्स पे सनलाइट मिनिमम होती है, और यहां पर बर्फ जमी हुई है। अब यहां पर ध्यान से सुनना बच्चों, जो बर्फ जमी हुई है तो उसके पास हमारे पास अब ये बर्फ से जो हवाएं हैं, अब ध्यान से सुनिएगा, एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, बर्फ से जो हवाएं हैं वो नीचे की तरफ आने की कोशिश करेंगी, यहां से कोई भी जो हवा होगी वो इस तरह से नीचे आने की कोशिश करेगी, लेकिन और नीचे से जो हवाएं हैं वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगी, लेकिन ये पोल से जो हवाएं हैं वो ऊपर की तरफ नहीं पहुंच पाती। क्यों? बिकॉज ऑफ अ फिनोमिना कॉल्ड पोलर वोर्टेक्स। एक फिनोमिना होता है ज्योग्राफी में कॉल्ड पोलर वोर्टेक्स। पोलर वोर्टेक्स क्या होता है कि बहुत तेजी से हवाएं चलती हैं, यहां पर वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के तरफ बहुत तेजी से हवाएं चलती हैं, जो ठंडी हवाओं को नीचे की तरफ नहीं आने देती। ये कुछ ऐसा है, अगर आप कभी किसी शॉपिंग मॉल में गए हो, अगर किसी शॉपिंग मॉल या किसी अच्छे दुकान पे गए हो, तो उन्होंने दुकान के बाहर जो दुकान का जो एंट्रेंस होती है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा एयर ब्लोअर लगाया होता है। जैसे आप खिड़की खोलोगे वो हवा चलने लगेगी, एक हवा का पर्दा बन जाएगा, देखा होगा ना, हवा का पर्दा बन जाएगा। जैसे आप खोलोगे तो ऊपर उन्होंने एक एयर का कुछ सिस्टम लगाया होगा जो क्या करेगा, एक एयर का पर्दा बना देगा। अब अंदर जाओगे, अब वो क्यों, क्योंकि कूलिंग बाहर ना जाए और बाहर की गर्म हवा अंदर ना आए। देखा होगा ना, कुछ मॉल्स दुकान पे लगा होता है वो, ठीक है। अब ये जो पोलर वोर्टेक्स है, ये नेचर ने हमें प्रोवाइड किया, नेचर ने हमें प्रोवाइड किया ताकि ऊपर की एक्सट्रीम ठंडी हवा नीचे ना आए और नीचे की एक्सट्रीम ठंडी हवा ऊपर ना जाए। लेकिन हमारे ह्यूमंस की गड़बड़ी की वजह से ये पोलर वोर्टेक्स क्या हो गया, डीस्टेबलाइज, गड़बड़ा गया ये पोलर वोर्टेक्स। यानी कि जो हमारे पास पर्दा था, हवा का पर्दा, वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, इसीलिए वहां से ठंडी हवाएं नीचे की तरफ आ रही हैं, इसीलिए कनाडा और यूएस में एक्सट्रीम विंटर देखने को मिलती है। तो कनाडा और एक्सट्रीम विंटर में जो कनाडा और यूएस में जो एक्सट्रीम विंटर देखने को मिल रही है, दैट इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ क्लाइमेट चेंज। लेकिन अब ये डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब को कौन समझाएगा ज्योग्राफी का फिनोमिना। हां जी, यूएस में तो सरकारी नौकरी की तैयारी भी लोग नहीं करते कि वहां पर, यहां पर तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा इंडिया में कि पोलर वोर्टेक्स किस चिड़िया का नाम है। इंडियंस ने ना, मतलब कि इतना जीएस पढ़ लिया, इतना जीएस पढ़ लिया कि मैक्सिमम बच्चों को पता होगा कि पोलर वोर्टेक्स क्या है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप को भाई साहब को कौन समझाएगा ये। तो फिर जो बाइडन आए और जो बाइडन ने फिर से क्या किया, इसको यूएस को फिर से इस ट्रीटी के अंदर डाल दिया। हाँ जी, क्लियर। अब ध्यान समझना, तो अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज जो हमें याद रखना है कि ये एग्रीमेंट हमारे पास 196 कंट्रीज ने हमारे पास अडॉप्ट किया हुआ है, और यहां पर टारगेट क्या है, टारगेट ये आपने पैराग्राफ याद रखना है, ये पैराग्राफ आपने याद रखना है। हाँ जी, क्लियर। हाँ जी, रॉयल सिद्धू, फिर रॉयल सिद्धू जी देखो फिर नोट्स की बात कर रहे हैं, मैं क्या कहूं बताओ, हैं?
रॉयल जी आप पक्का रॉयल हो, रॉयल सिद्धू संत जी आप पक्का रॉयल हो, मैं क्या कहूंगा आपको। अच्छा देखो, पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है कि सेंचुरी तक, मतलब ये जो सेंचुरी खत्म होगी, हमने टेम्परेचर को 2 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ने देना। एवरेज टेम्परेचर 2 डिग्री, एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा तो बढ़ेगा ही, वो तो कन्फर्म है, एवरेज टेम्परेचर बढ़ ही रहा है, वो बढ़ेगा, लेकिन वो 2 डिग्री से ज्यादा ना बढ़े, 2 डिग्री से कम ही बढ़े, ये हमारा टारगेट है। हाँ जी क्लियर। इसको जरा एक बार स्टेटमेंट को पढ़ो और मुझे बताओ समझ आया या नहीं आया, ये वाला पैराग्राफ एक बार पढ़िए और बताइए मुझे समझ आया या नहीं आया। हाँ जी सिद्धू जी, मैं कुछ नहीं कहता मैं मन में मेरे, मैं क्या कहूंगा, मैं बोल तो दिया कि भाई मैं कुछ नहीं कहूंगा, नोट्स को लेके आओ। अच्छा पढ़ने में ध्यान दो, बताओ ये समझ आया, लास्ट वाला समझ आया या नहीं आया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं रोहल जी, मुझे बताओ बच्चे, बाकी बच्चे बताओ समझ आया या नहीं आया सबको। देखो हम चाहते हैं कि 2 डिग्री से कम रहे और ज्यादा ज्यादा बढ़े तो कितना बढ़े, 1.5 डिग्री बढ़े। हाँ जी क्लियर, बिल्कुल संजीव जी, अमेरिका अगेन ज्वाइन द पेरिस एग्रीमेंट। हाँ जी काफी सारे बच्चे हैं, बता दिया करो भाई समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ जी क्लियर, कम से कम इतना ही टाइप कर दिया करो हाँ या ना। क्लियर है जी, बहुत अच्छे, चलो। अच्छा एक चीज और, यहां सेल्सियस, अब 2 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही थी, अब मेरी बात ध्यान सुन लेना, इसलिए मैंने फॉर्मूला डाल दिया है कि हो सकता है पेपर में फ़ारेनहाइट में क्वेश्चन पूछ ले जानबूझ के तुम्हें तंग करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने तुम्हारे ना नोट्स में फॉर्मूला डाल दिया कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट होता है और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट होता है, टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में मेजर करते हैं। तो पेरिस एग्रीमेंट क्या बोलता है कि 2 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, तो तुम्हें पेपर में अगर फ़ारेनहाइट में पूछ लें तो कोई भी नंबर या कुछ भी हो जाए, तो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे तुम्हारे लिए डाल दिया है कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट होता है। हाँ जी क्लियर, तो दैट इज द फॉर्मूला बेसिकली, ठीक है। हाँ जी डन, चलो आगे चलते हैं हमारे पास। अच्छा पेरिस एग्रीमेंट और क्लाइमेट चेंज के ऊपर थोड़ा सा और नजर डाल लेते हैं। ये देखो 2100 तक, मैंने कहा ना सेंचुरी के एंड होने तक जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखना है, मतलब कि 2 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम बढ़े भी तो कितना, 1.5 डिग्री बस, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। रिच कंट्रीज जो है, अब इसमें देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, रिच कंट्रीज जो है वो $100 बिलियन का एक फंड बनाएंगी जिससे पुअर कंट्रीज की हेल्प की जाएगी, और इसको नाम क्या दिया जाएगा, फ्लोर, जिसके पुअर कंट्रीज की हेल्प की जाएगी ताकि वो क्लाइमेट चेंज से लड़ सके। क्लाइमेट चेंज से कैसे लड़ सके, वो रिन्यूएबल एनर्जी का यूज कर सके पुअर कंट्रीज। तो $100 बिलियन के फंड बनाने की बात की गई थी, $100 बिलियन। नेक्स्ट हमारे पास, डेवलप कंट्रीज मस्ट टेक कंटिन्यू टू टेक द लीड टू रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। जो डेवलप कंट्रीज हैं वो क्या करें, वो हमारे पास काम करेंगी, वो ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशंस को रिड्यूस करें, एम फॉर ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन। अच्छा ग्रीन हाउस गैसेज होती क्या है, हाँ जी मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में बताया था, जो सनलाइट को ट्रैप कर लेती हैं। सो ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन टू पीक एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। और यहां पर हमारे पास अगर हम ये नहीं कर पाए तो अर्थ में बहुत बड़े लेवल पर नुकसान जो है वो झेलना पड़ेगा ही पड़ेगा, दैट्स फॉर श्योर। हाँ जी क्लियर, कंफर्म है कि बहुत बड़े लेवल पर नुकसान होगा, और वो जो ह्यूमन स्पीसीज है वो बियर नहीं कर पाएंगी, हैंडल नहीं कर पाएंगी, अपने आप में एक बहुत बड़ा जो ड्रास्टिक लेवल का इश्यू होगा वो पूरे वर्ल्ड को फेस करना पड़ेगा। हाँ जी क्लियर। देखो मैं एक चीज और बताता तुम्हें, अभी ना मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, रिपोर्ट में क्या कहा जा रहा है कि रशिया के बहुत सारे एरियाज में बर्फ पिघल रही है बहुत तेजी से, रशिया के एरियाज में बहुत तेजी से बर्फ पिघल रही है, और जब वहां बर्फ पिघल रही है तो उससे क्या होगा कि वहां पर आने वाले टाइम में, हाँ जी आने वाले टाइम में रशिया एग्रीकल्चर शुरू कर सकता है, और उस एरिया में अगर एग्रीकल्चर शुरू हुआ बच्चों तो ये मान के चलना कि जहां पर अभी एग्रीकल्चर हो रहा है उसमें से बहुत सारे एरियाज आगे चलकर बंजर बैरन लैंड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि बारिश का रेनफॉल का पूरा सिस्टम ही जो है वो
चेंज हो जाएगा और भी कहीं ज्योग्राफिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो हमें कुछ कुछ भी करके सिस्टम को सही बनाए रखना है और अल्टीमेटली काम करना है कि क्लाइमेट चेंज जो है उसके जो जिसकी जो उसकी स्पीड है उसको हम काफी हद तक रिड्यूस कर पाए। चलो आगे हमारे पास IPCC, लेट्स टॉक अबाउट IPCC। IPCC क्या है, देखिए बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने UNFCCC के बारे में पढ़ा था बच्चों, UNFCCC के बारे में पढ़ा था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये वो बॉडी है बच्चे जो हमारे पास क्लाइमेट चेंज को लेकर हर साल मीटिंग एग्जीक्यूट कराती है। अब समझने वाली बात, इंपॉर्टेंट बात, इस मीटिंग ये जो ऑर्गेनाइजेशन है UNFCCC, इसको रिपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, इसको रिपोर्ट्स और बाकी एजेंडा कौन प्रोवाइड करता है, IPCC, इसको रिपोर्ट्स और बाकी एजेंडा कौन प्रोवाइड करता है, IPCC, दैट इज इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। सो बेसिकली साइंटिफिक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी अंडर UN, ये भी याद रखना, ये यूनाइटेड नेशन के अंडर है, ठीक है, द बॉडी वर्क्स अंडर द यूनाइटेड नेशन। इट वॉज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन 1988 By two United Nations organization, दो United Nations organizations ने मिलकर इसको बनाया था, World Meteorological Organization and United Nations Environment Program। अब मुझे बता दो कि World Meteorological Organization का हेडक्वार्टर कहाँ है, जल्दी से बता दो World Meteorological Organization का हेडक्वार्टर कहाँ है। हाँ जी, देखते कौन सबसे पहले बताता है। आर्टिफिशियल सन का क्या करेंगे संजीव, जो सन है उसी की एनर्जी एनहांस कर ले, वही बहुत है। आर्टिफिशियल सन का भी क्या करेंगे, सन की इतनी एनर्जी आ रही है हम सोलर पैनल लगा ले वही बहुत है, हैं? वेरी गुड, काफी बच्चों ने आंसर दे दिया मेरे पास। अभी गुरुवीर, गुरदीप, निशु, वीनस, नैन्सी, ग्रीषा, इन सब ने सही आंसर दिया, जिनीवा, ठीक है, जिनीवा स्विट्जरलैंड में आपको वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है, और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है नैरोबी, केनिया में। तो WMO, ध्यान सुनिएगा, WMO और हमारे पास UNEP ने मिलकर एक बॉडी को एस्टेब्लिश किया और उस बॉडी का नाम है IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये हमारे पास वो रिपोर्ट्स सबमिट करती है जो UNFCCC के आंकड़ों को सही बताते हैं। अब UNFCCC बोलती है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मान लो टेक द एग्जांपल UNFCCC बोल रही है क्लाइमेट चेंज होगा और इससे नुकसान हो जाएगा, आप बोलोगे दिखाओ कहां हो रहा है क्लाइमेट चेंज, दिखाओ कहां दिक्कत हो रही है, अप्रूव करो। तो UNFCCC जिन रिपोर्ट्स का हवाला देता है, जो डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करता है, वो डॉक्यूमेंट उसे कौन ला कर देता है, आंकड़े कौन ला कर देता है, IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, कौन उसे ला कर देता है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अब मैं हाँ जी थोड़ा सा और आगे अगर मैं बात करूं, अब देखो यहां पर आपको लगेगा कि मैं कुछ आंकड़े यहां आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। पिछले 150 सालों में, देखो ध्यान सुनना बच्चों, पिछले 150 सालों में दिल्ली का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। मुंबई का जो टेम्परेचर है एवरेज टेम्परेचर वो 0.7 डिग्री, कोलकाता का 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है एवरेज टेम्परेचर, और चेन्नई का 1.6। अच्छा आप में से ज्यादा तो लोगों को लग भी रहा होगा हाँ जी कि अगर 1-2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, हम एसी के स्पीड को थोड़ा और एडजस्ट कर लेंगे, भाई बहुत फर्क पड़ता है। 1-2 डिग्री टेम्परेचर में जो चेंजेस होते हैं ना, वेरिएशन होते हैं, उससे अर्थ के पूरे क्लाइमेट के ऊपर फर्क पड़ता है, फार्मर के ऊपर फर्क पड़ता है, फार्मर, क्योंकि रेनफॉल जो है अनइवन हो जाती है, जिस तरह से रेनफॉल होनी चाहिए उस तरह से नहीं होती है, तो आने वाले टाइम में मॉनसून का सिस्टम भी गड़बड़ा सकता है अगर क्लाइमेट चेंज ऐसी ही रहा। और इंडिया जो है हमें भूलना नहीं चाहिए, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, इंडियन इकोनॉमी आज भी एग्रीगेन इकोनॉमी है, और जो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मॉनसून के ऊपर डिपेंड करती है। बहुत बड़ी हमारी चिंता की बात है कि हमारी इकोनॉमी आज भी मॉनसून के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, और मॉनसून का आने वाले टाइम में कुछ पता नहीं है, तो भगवान ही मालिक है फिर इन सब कंडीशंस में। तो हाँ जी क्लियर। तो यहां पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा, 700 मिलियन पीपल एस्केप क्लाइमेट रिस्क एंड अनसस्टेनेबल टू पॉवर्टी बाय 2050, और वो पॉवर्टी में, गरीबी में चले जाएंगे 2050 तक।
अब इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होगा, मक्के की खेती, चावल की खेती, वीट की खेती, इन सब की जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस होगी, प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस होगी। हाँ जी क्लियर। और ह्यूमन हेल्थ जो खराब होगी वो तो है ही है। हाँ जी क्लियर। हाँ जी समझ आया या नहीं बच्चों? तो ये कहने में आसान लगता है कि क्लाइमेट चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेकिन आप सोच नहीं सकते कि बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। क्लाइमेट चेंज अगर चलता ही रहा तो बहुत कुछ बिगड़ने वाला है और किसान की हालत जो है वो खराब होने वाली है उस सबके चलते। अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूं तुमसे, इंडिया की कौन सी मेजर क्रॉप है जो कॉटन रेजिस्ट, जो हमारे पास सॉरी मैंने बोल दिया, क्लाइमेट रेजिस्टेंट है वो है कॉटन। लिख लो, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन जो कॉटन है वो क्लाइमेट रेजिस्टेंट क्रॉप है। ये नोट डाउन कर लेना, एक क्वेश्चन बन जाता है। अकॉर्डिंग टू यूएन कॉटन जो है वो क्लाइमेट रेजिस्टेंट क्रॉप है। क्लाइमेट रेजिस्टेंट क्रॉप का मतलब क्लाइमेट चेंज रेजिस्टेंट क्रॉप, क्लाइमेट चेंज रेजिस्टेंट रेजिस्टेंट क्रॉप, क्लाइमेट चेंज रेजिस्टेंट मतलब कि क्लाइमेट चेंज रेजिस्टेंट का मतलब कि क्लाइमेट चेंज होने से उसकी प्रोडक्शन पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज होने से उसकी प्रोडक्शन पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात बताइए बच्चों, समझ आई सबको? हाँ जी यहाँ पे दक्ष शर्मा बोल रहे हैं कि टुवालू के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, हाँ जी टुवालू के फॉरेन मिनिस्टर भी न्यूज़ में थे COP27 के दौरान, उन्होंने पानी में खड़े होकर, मैंने बात भी की थी शायद इसको लेकर पहले भी, कि वो पानी में खड़े होकर हमारे पास क्या करते हैं, वो हमारे पास पानी में खड़े होकर क्या करते हैं, हमारे पास फीस देते हैं। हाँ जी क्लियर। इकोनॉमी नहीं मैं करूँगा संजीव, मैं सिर्फ साइंस साइंस कराऊंगा बेसिकली आपको, ठीक है फिजिक्स केमिस्ट्री मैं कराऊंगा बस, ठीक है इकोनॉमी नहीं मैं कराऊंगा। चलिए तो ये याद रखना बच्चों, हमारे पास कॉटन जो है एक ऐसी मेजर क्रॉप है भारत की, ठीक है कॉटन जो है वो मेजर ऐसी क्रॉप है जो हमारे पास क्लाइमेट चेंज रेजिस्टेंट रेजिस्टेंस रखती है, मतलब क्लाइमेट चेंज का उसके ऊपर ज्यादा कोई असर नहीं होने वाला, ठीक है। So, ये चीज याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हमारे पास आगे हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है साइट्स। अब ये कुछ और चीजें हैं, कुछ और प्रोटोकॉल है, पेपर में आप सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, नाम देकर किसका संबंध किस चीज के साथ है, आपको नाम देकर पूछा जाएगा कि बताओ जी ये चीज है इसका संबंध किसके साथ है। तो साइट्स के बारे में जब हम बात करते हैं, इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए बच्चे, सबसे पहले तो फुल फॉर्म से ही काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अब तुम्हें बताता हूं, हमारे पास ध्यान सुनना, अभी रेड सैंडलवुड है, लाल चंदन की लकड़ी, पुष्प, हमारे पास मूवी आई थी अभी, मूवी का नाम सबको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ तो मूवी का नाम तुम्हें पता होगा सबको, ठीक है पुष्पा, और रेड सैंडलवुड की स्मगलिंग को लेकर थी, रेड सैंडलवुड की स्मगलिंग हमारे पास, और जो जंगली जानवर है उनकी स्मगलिंग होती है इंटरनेशनल लेवल पर। अभी तो मैं मूवी में तो मैं देखा होगा कि जापान में उसकी रिक्वायरमेंट है, चाइना में उसकी रिक्वायरमेंट है, तो कई सारे ऐसे पेड़ पौधे और जानवर है जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड होती है, उसको रोकने के लिए हमारे पास कौन सी और कौन सा एग्रीमेंट काम करता है, तो वो है साइट्स, ठीक है। कन्वेंशन है बेसिकली, कौन सी कन्वेंशन काम करती है, तो कन्वेंशन है हमारे पास साइट्स, दैट इज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। तो इट इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट विच स्टेट्स दैट
रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशंस एडहेयर वॉलंटरली, कि वॉलंटरली सब कंट्रीज आगे आए और ऐसी चीजों की ट्रेडिंग को रोकने की कोशिश करें जो एंडेंजर्ड है, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल्स है। हाँ जी क्लियर, तो साइट उसके लिए काम करती है। हाँ जी क्लियर। हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड। वीनस बोल रहे हैं हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड, वेरी गुड बच्चे हम आ ही रहे हैं वैसे। तो साइट को ड्राफ्ट कब किया गया था, एज अ रेजोल्यूशन इसको ड्राफ्ट किया गया था 1963 में, हमारे पास मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द IUCN, जब IUCN की मीटिंग चल रही थी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN की जब मीटिंग चल रही थी उस दौरान ये डिक्लेयर किया गया था हमारे पास कि यहां पर एक साइट्स नाम से इंटरनेशनल एग्रीमेंट होगा जिसमें हम जो भी वल्नरेबल हमारे पास स्पीसीज है, ठीक है, जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक सिस्टम बनाएंगे। साइट एंट्रेंस इनटू फोर्स कब, ये लागू कब हुआ 1975 में, और 183 पार्टीज जो है वो इसके साथ आर्चीट में जुड़ी हुई है। तो हमारे पास साइट सेक्रेटेरिएट की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय UNEP, इसको एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है, UNEP कहां से, जिनीवा स्विट्जरलैंड से। सो इंडिया एक पार्टी है साइट की और एक्टिवली प्रोहिबिट द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड वाइल्ड स्पीसीज। और इंडिया क्या बोलता है कि किसी भी जंगली जानवर की या जो भी हमारे पेड़ पौधे हैं जो एंडेंजर्ड है उनके इंटरनेशनल लेवल पर जो इल्लीगल व्यापार है वो नहीं होना चाहिए। तो आई गेस साइट्स आपको समझ आ गया, पेपर में अगर साइट्स को लेकर क्वेश्चन आ गया तो आई गेस आप आंसर कर पाओगे कि साइट्स किस चीज को लेकर है, इंटरनेशनली इल्लीगली ट्रेड को रोकने को लेकर है जो हमारे पास फ्लोरा एंड फौना से सब्जेक्टेड है। क्लियर, ये आई गेस सबको क्लियर हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अच्छा इंडिया से सबसे ज्यादा जानवर कौन सा स्मगल होता है, आज ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो भाई ये है पेंगोलिन, बहुत से बच्चों को पता भी होगा बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा किसी मैमल की अगर स्मगलिंग होती है, किसी मैमल को सबसे ज्यादा मारा जाता है तो वो पेंगोलिन है। भारत में कहां मिलता है जनरली, नॉर्थ ईस्ट में। भारत में जनरली कहां मिलता है, नॉर्थ ईस्ट में। चाइना वाले क्या करते हैं, मेरी बात ध्यान सुनना, चाइना वाले इसकी जो फिश इसकी स्किन पे स्केल्स हैं, देखो इसकी स्किन पे स्केल्स हैं, जैसे हमारे नाखून होते हैं ना तो इसकी बॉडी पे स्केल्स हैं सारी पे, जैसे हमारे नेल्स होते हैं। तो अब समझने की कोशिश करना, चाइना वाले इसके स्केल्स को यूज करके अपनी दवाइयां बनाते हैं वो। एक तो चाइना वालों की दवाइयों ने आधी दुनिया खत्म कर दी, पता नहीं कहां कहां से दवाइयां बनाते रहते हैं, कभी हमारे पास गैंडे का सींग लेकर आ जाएंगे उससे दवाई बनाएंगे, कभी पेंगोलिन से दवाई बनाएंगे, पता नहीं नॉर्मल दवाई क्यों नहीं खा सकते, ठीक है। हाँ जी क्लियर हो रही है बात। तो यहां पर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर, और ये चाइना की वजह से मारा जाता है, ठीक है। हाँ जी क्लियर हो रही है बात। अब यहां पर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा याद रखना है बच्चे आपने, कि पेंगोलिन डे हर साल कब मनाया जाता है, क्वेश्चन बहुत अच्छा बता रहा हूं आपको, थर्ड सैटरडे ऑफ फेब्रुअरी को हर साल मनाया जाता है पेंगोलिन डे। हाँ जी क्लियर। याद रखिएगा थर्ड सैटरडे ऑफ फेब्रुअरी को मनाया जाता है पेंगोलिन डे। तुमसे अगर मैं पूछ लूं 2021 में कब ऑब्जर्व किया गया, तो हर साल अलग डे पे आएगा। हाँ जी क्लियर। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, अभी कोविड की बात कर रहे हो आप लोग, तो कोविड में ना कहा जा रहा है कि होस्ट एनिमल ये हो सकता है जिसके थ्रू ये डिजीज ह्यूमंस में ट्रांसमिट हुई हो, कहा जा रहा है कि ये वो एनिमल हो सकता है जिसके थ्रू कोरोना वायरस जो है वो एग्जिस्टेंस में आया, ये पोटेंशियल इसके बारे में कहा जा रहा है। देखो यार डेट फिक्स नहीं होती अमर सिंह, मैं बोल रहा हूं डेट फिक्स नहीं होती। हर बार थर्ड सैटरडे ऑफ फेब्रुअरी को ऑब्जर्व किया जाता है। हाँ जी पेंगोलिन डे, थर्ड सैटरडे ऑफ फेब्रुअरी को ऑब्जर्व किया जाता है पेंगोलिन डे। हाँ जी क्लियर। इस बार 20 फरवरी को मनाया गया। हाँ जी क्लियर। अच्छा देखो बड़ा इंटरेस्टिंग तुम्हारे लिए मैंने डायग्राम एक नेट से निकाला है, देखो ध्यान सुनना, तुमने सुना होगा कि एक सार्स नाम की कोरोना वायरस जो है काफी ज्यादा सर्स और मर्स से मिलता जुलता है। ये सर्स और मर्स क्या होते हैं, पहले तो ये कोविड जो है वो जूनोटिक डिसीज है। कोविड क्या है, जूनोटिक डिसीज क्या होती है, जो जानवरों से इंसानों में ट्रांसमिट होती है, जानवरों के वायरस वगैरह इंसानों में ट्रांसमिट होते हैं। अब चमगादड़ से इंसानों को बहुत सारी बीमारियां लगती हैं, लेकिन ये चमगादड़ से डायरेक्टली इंसान तक नहीं पहुंचती, ये इनडायरेक्टली इंसान तक पहुंचती है। कैसे, अब देखो ध्यान सुनना एक बड़ा इंटरेस्टिंग, चमगादड़ से सीविट कैट, ये बिल्लियों का एक प्रकार होता है सीविट कैट, इसके अंदर एक वायरस जाता है, उससे फिर ह्यूमंस को जो बीमारी होती है वो है सार्स कोव, यानी कि सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, उसमें भी सांस लेने में दिक्कत आती है।
सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, हाँ जी क्लियर, ओके, जो जूनोटिक डिजीज है वो एनिमल के थ्रू स्प्रेड आउट होती है। फिर कैट से कुछ वायरस जो है वो पिग्स में जाते हैं और इसके थ्रू सैड सीओवी होता है। फिर हमारे पास बैट से कुछ वायरस कैमल में जाएंगे और मर्स देखने को मिलेगा। मर्स और टर्स दोनों बहुत न्यूज में थे कि कोविड से मिलते जुलते हैं। मर्स क्या है? मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। मर्स क्या है? मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसमें भी सांस लेने में दिक्कत होती है, कोविड में भी तो सांस लेने में दिक्कत हुई थी, ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी। तो यहां पर आप देखो कि ये कहा जा रहा है कि बैट से, ये हमारे पास अननोन है अभी तक, वैसे तो कहा जा रहा है अननोन है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि पेंगोलिन है, पेंगोलिन में गया और उससे सार्स कोविड 19 ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो गया, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं कि पेंगोलिन हो सकता है। अच्छा, रेट से काओ में कुछ वायरस ट्रांसमिट होते हैं और उससे एचसीओवी OC43 हमारे पास डिजीज देखने मिलती है। आई गेस कुछ कंसेप्ट समझ आया होगा कि ये डिजीज ह्यूमन में कैसे कैसे स्प्रेड आउट होती है। कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जूनोटिक डिजीज कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? गुड इवनिंग अमनदीप जी, तो देखो यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ना अपने आप में, देखो तुम्हारे सामने है, तुम कल को किसी को बता सकते हो कि कैसे बैट से जो कोई भी वायरस है वो ह्यूमंस में कैसे ट्रांसफर होता है, जो मेजर वायरस है, ठीक है। तुम्हारे सामने मैंने यहां पर एक डायग्राम शो किया है, तुम उसमें हमारे पास देख सकते हो कि कैसे जो वायरसेस है वो जूनोटिक डिजीज है वो ह्यूमंस में ट्रांसमिट होती है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है। चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो आप लाइक कर सकते हैं अगर आपको पसंद आ रहा हो तो, हाँ जी। चलिए आगे चलते हैं, हमारे पास डॉग से रेबीज होता है। पठानिया पूछ रहे डॉग से क्या होता है, डॉग से रेबीज होता है। इनको खाने से भी हो जाता है रसपिंदर जी, और कई बार कांटेक्ट में आने से भी हो जाता है, दोनों तरीके से हो जाता है। बट चाइना में तो आपको पता है कि जो वुहान की वेट मार्केट थी वहां तो हर तरह का जानवर खाया जाता था, मतलब कोई जानवर उन्होंने नहीं छोड़ा जिसको वो ना खाते हो, मतलब कुछ भी मिला तो आने दो, हाँ जी क्लियर। चलो नेक्स्ट हमारे पास बोन कन्वेंशन की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट बोन कन्वेंशन। सो व्हाट इज बोन कन्वेंशन, हाँ जी। So the aim of the Bonn Convention is to protect the migratory species. अब migratory species क्या होते हैं? जो प्रवासी पक्षी होते हैं। अब ये बहुत important है बच्चे, बताऊंगा क्यों। Migratory species हर साल हमारे पास बहुत सारे species जो है migrate करते हैं, हाँ जी clear। सर्दी होगी तो वो थोड़ा ऐसी जगह पर चले जाएंगे जहां पर थोड़ा optimum सा temperature है, normal सा temperature है, हाँ जी clear। ना ज्यादा गर्मी हो ना ज्यादा सर्दी हो, तो ऐसे temperature में रहना पसंद करते हैं, तो इसलिए वो migrate करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हुए आपको दिखाई देंगे। तो उनकी प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? जैसे भारत में हर साल फ्लेमिंगोज आते हैं, बहुत ही सुंदर बर्ड होते हैं फ्लेमिंगो, ठीक है। अगर आप चंडीगढ़ में सुखना लेक पे आ जाओ तो यहां पर भी कई सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, चंडीगढ़ के सुखना लेक में आते हैं, राजस्थान में क्लूडियो नेशनल पार्क है वहां आते हैं, चिलिका लेक पे आते हैं, हर जगह जितने भी हम इंडिया के अच्छे अच्छे प्लेसेस है वहां पर ये भी सोच समझ के आते हैं। अब जैसे तुम मान लो, टेक द एग्जांपल, तुम्हें छुट्टी बिताने जाना हो, हैं? छुट्टी बिताने जाओगे तो क्या दिल्ली घुस जाओगे, हैं? कभी तुमने किसी ने सुना है कि भाई मैं हॉलीडेज पे जा रहा हूँ और दिल्ली रहूंगा मैं 4-5 दिन हॉलीडेज पे? नहीं जाओगे ना, दिल्ली पॉल्यूशन वाले एरिया में नहीं जाओगे। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या है कि ये भी देख समझ के सोच समझ के चुनते हैं कि लोकेशन जो साफ सुथरी बढ़िया सी लोकेशन हो वहां हम जाकर ठहरेंगे, हाँ जी क्लियर। सो हमारे पास So the treaty, the only global treaty concerning the migratory species, जो सिर्फ only treaty है पूरे वर्ल्ड में जो migratory प्रवासी, इन्हें बोलते हैं प्रवासी, ठीक है, प्रवासी पक्षियों के लेकर काम करती है, ठीक है, works under the aegis of, और किसके अंडर काम करती है? Under the UNEP, United Nation Environment Program, UNEP के अंडर काम करती है ये convention, ठीक है। Bonn Convention is the other name, इसका दूसरा नाम क्या है? Bonn Convention का दूसरा नाम क्या है? Convention on Conservation of Migratory Species of Wildlife. Wild animal, sorry, Convention on the Conservation of Migratory Species of Wildlife, CMS, नाम याद रखिएगा, हाँ जी क्लियर। हाँ जी, यहां तक बताइए किसी को कोई डाउट,
बलराम बच्चे सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आप कभी भी देख सकते हो, हमने हटाए नहीं है, ठीक है। अगर आपको कुछ मिस हो गया तो आप जाओ वापस और फिर से उसको आप आराम से बैठिए और जब जब आपको टाइम मिले आप देख लीजिए, ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना हो बच्चों? हाँ जी वीनस जी, फ्लेमिंगो फेस्टिवल गुजरात। हाँ जी दीपिका जी, मैं जरूर ट्राई करूंगा, एक बार सिलेबस आपका कंप्लीट करा दूं मैं, ठीक है। एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर हम जरूर उस सीरीज को भी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। लो जी साइड हो तो पठानिया जी, आप रीड कर लो एक बार। जसवीर जी, एनवायरमेंट का लेवल यही रहेगा जो मैं करा रहा हूं आपको, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आने वाले, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आने वाले, सिंपली क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, सिंपली क्वेश्चन आएंगे, तो जितना मैं करा रहा हूँ उतना कर लीजिएगा। हाँ जी क्लियर। हाँ जी, आज लास्ट क्लास है एनवायरनमेंट की, बाकी सीरीज अभी खत्म नहीं हो रही, सीरीज अभी कंटिन्यू रहेगी, जो आपकी पंजाब सक्सेस मंत्रा के साथ 75 डेज की मैराथन क्लास है वो भी कंटिन्यू रहेगी, एनवायरनमेंट आज खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट इंडिया जो है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब देखो यहां पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बोन कन्वेंशन को लेकर क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया, बताना था भी कि 2023 तक इंडिया इसका प्रेसिडेंट है, क्योंकि लास्ट जो कन्वेंशन हुई थी COP13 वो फरवरी 2020 में हुई थी, इंडिया में हुई थी, फरवरी 2020 में हुई थी इंडिया में बॉर्न कन्वेंशन, ठीक है। और उसकी थीम आपके सामने है, माइग्रेटरी स्पीशीज कनेक्ट द प्लेनेट एंड टुगेदर वी वेलकम देम होम। और मस्कट क्या था इसका? हाँ जी, मस्कट का मतलब क्या होता है? लोगो। मस्कट का मतलब क्या होता है? लोगो। तो लोगो था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, GIB बोलते हैं उसको, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये एक बहुत सुंदर वर्ड है बच्चे, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली क्या है कि लगातार लोग इसका शिकार करते हैं, और दूसरा हमारे पास क्लाइमेट चेंज रीजन है जिसकी वजह से इसकी पॉपुलेशन लगातार डिक्लाइन होती जा रही है, और कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएगा। हाँ जी क्लियर। इंसान तो ऐसा हो रखा है कि भाई वो सब स्पीसीज को ही खत्म कर दे और सिर्फ खुद ही धरती पर रह जाए, है ना। अब देखो यहां पर मैंने आपके लिए, देखो ये था ग्रेट GB, इसको GB के नाम से भी बोला जाता है, GB इसका एक अल्टरनेट नेम है GB। ये देखो, ये हमारे पास COP13 हुई थी फरवरी में, ठीक है। कहां पे हुई थी? गांधीनगर गुजरात में, 2020 में हुई थी गांधीनगर गुजरात में COP13, लिख लेना। और यहां पर कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था? 130 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किया गया ऑफिशियल पोस्टर है, ये मेरी तरफ से नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किया गया ऑफिशियल पोस्टर है, जिसमें बताया जा रहा है। देखो GB द ग्रेट यहां पर पिक्चर लगाई हुई है हमारे पास, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा, बोल दो। हमारे पास पिक्चर थोड़ी छोटी है, ठीक है, आपको स्क्रीन पे थोड़ी और छोटी दिखाई दे रही होगी। तो यहां पर याद रखें, 130 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था गांधीनगर गुजरात में जो मीटिंग हुई थी, और माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लेनेट एंड टुगेदर वी वेलकम देम होम, थीम यहां पर भी लिखी हुई है। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट असेसमेंट, द लार्जेस्ट एरिया, सबसे ज्यादा GIB मिलता कहां है? थार एरिया ऑफ राजस्थान। सबसे ज्यादा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपको कहां मिलेगा? थार एरिया ऑफ राजस्थान, डेजर्ट नेशनल पार्क, ठीक है। यहां पर आपको सबसे ज्यादा ये देखने को मिलेगा, डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में है, ठीक है। 5 अननोन मोर्टेलिटीज जो है वो इलेक्ट्रोक्यूशन से हुई थी, इलेक्ट्रोक्यूशन का मतलब बहुत सारे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के वायर से टकरा गए और उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। हाँ जी क्लियर। ओके, ये हमारे पास अगर हम बात करें, इधर देखो IUCN की जो लिस्ट आती है उसमें हमारे पास अगर हम बात करें क्रिटिकली एंडेंजर्ड, बस देखो एक शिफ्ट और हुआ तो ये हमारे पास खत्म हो जाएगा, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है IUCN की लिस्ट में। लीस्ट कंसर्न में कौन आते हैं? काओ, बफेलो, ये सब लीस्ट कंसर्न में आता है कि इनके ऊपर कोई ध्यान भी ना दो, भी इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ठीक है। काओ, बफेलो, गोट, ठीक है। फिर हमारे पास अगर हम यहां देखें, देख लो ये हमारे पास क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। हाँ जी,
और ये देखो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की नेचुरल हैबिटेट नलिया ग्रासलैंड कच्छ इंडिया, यहां पर एक पिक्चर जो है वो डाली गई है। सनी सिंह आप एक मुहिम शुरू कर दो फिर। हाँ जी, यहां तक बताइए कोई डाउट स्टूडेंट किसी को। हाँ सर, ओ सर, हाँ जी, यहां तक कुछ पूछना हो तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ला अभी सीओ अभी बोन कन्वेंशन का प्रेसिडेंट कौन है इंडिया है, और जिब्बी हमारे पास ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का एक निकनेम उन्होंने रखा था जो मस्कट था हमारे पास, ठीक है। अच्छा देखो बस अभी एनवायरनमेंट खत्म होने वाली है तो ओवरऑल आई गेस मुझे नहीं लगता कि तुम्हें एनवायरनमेंट कोई ऐसा डिफिकल्ट काम लगा होगा कि बहुत ही डिफिकल्ट था यार, आई गेस ये तो बहुत इजी थी, इवन पॉलिटी से भी इजी थी और इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आने हैं। बस आपका एक जरूरी चीज क्या है कि आप इसको लगातार पढ़ते रहो, नई चीज है तो थोड़ा 4-5 बार ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी से थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पॉलिटी बहुत बार पड़ी हुई है, लेकिन रियलिस्टिक सिचुएशन में ये पॉलिटी से ज्यादा इजी है। बलराम जी आप फिर लैंग्वेज पे काम करो, हर चीज़ होती है मेहनत से, अगर इंग्लिश कमज़ोर है तो इंग्लिश को ट्राई करो और थोड़ा सा अच्छे से इंप्रूव करने की कोशिश करो, और तो कुछ नहीं कह सकते। हाँ जी अमनदीप जी, हम एमसीक्यू क्लासेस भी होंगी, ठीक है, एमसीक्यू क्लासेस भी हम कराएंगे, डोंट यू वरी, एमसीक्यू क्लासेस भी चलेंगे आने वाले टाइम में। चलिए आगे चलते हैं, हमारे पास आई गेस थोड़ा सा और क्लैरिटी होगी होगी आपको। अब हम बात करेंगे मारपोल की, ठीक है। व्हाट इज मारपोल? इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम द शिप्स, जो समुद्री जहाज होते हैं, आपने सुना होगा ऑयल स्पिल हो गया, ऑयल स्पिल का मतलब क्या है, टैंकर से जो एक तेल, अब इंडिया में कच्चा तेल कैसे आता है, टैंकर्स के थ्रू आता है, बड़े बड़े शिप्स होते हैं उनके अंदर ऑयल स्टोर होता है, तो कई बार वहां से ऑयल लीक हो जाता है और बहुत सारे समुद्री जानवर मर जाते हैं उस ऑयल में सांस ना लेने की वजह से। तो हमारे पास अगर हम बात करें तो ये जो कन्वेंशन है ये किसके बारे में बात करती है, 1978 में प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया गया था, याद रखना, अडॉप्टेड इन द ईयर 1978। और ये कन्वेंशन क्या बोलती है कि हमने जो शिप्स के थ्रू जो पोल्यूशन होता है, जो शिप्स के थ्रू समुद्री जहाजों के थ्रू जो पोल्यूशन होता है उसको मिनिमाइज करना है, साथ में जो एक्सीडेंटल पोल्यूशन होता है उसको मिनिमाइज करना है। और याद रखना इंडिया इज सिग्नेटरी टू मारपोल, इंडिया सिग्नेटरी टू मारपोल। तो बच्चे बस मारपोल क्या है कि सी के अंदर जो समुद्र है उसके अंदर जो समुद्री जहाजों के द्वारा पोल्यूशन होता है उसको रिड्यूस करना, उसके लिए हमारे पास एक कन्वेंशन है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे कि मारपोल का रिलेशन किसके साथ है, ऑप्शन दे देंगे शिप्स के साथ है, ये ऑप्शन अलग अलग बनाकर, तो तुमने याद रखना बच्चों इसका रिलेशन सीधा सीधा किसके साथ है हमारे पास। हाँ पेरू वाली नैन्सी शर्मा ने बिल्कुल सही लिखा, वेरी गुड नैन्सी, कि पेरू वाली साइड में अभी हुआ था थोड़े टाइम पहले, हाँ जी पेरू वाली साइड में भी थोड़े टाइम पहले हुआ था हमारे पास, और उसकी वजह से वहां पर कई बार क्या होता है एनवायरमेंट इमरजेंसी भी देखने को मिलती है, ठीक है, एनवायरमेंट इमरजेंसी देखने को मिलती है। चलिए जी आगे चलते हैं हमारे पास। हाँ जी अर्पण प्रीत भी बता रहे हैं, वेरी गुड अर्पण एंड नैन्सी, गुड। अब आ जाते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सो व्हाट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमारे पास बच्चे किस सब्जेक्टेड है, ओजोन लेयर डिप्लीशन को बचाने के लिए, टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर, ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास ओडीएस क्या है, पहले तो ये समझो ओडीएस क्या है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ओडीएस ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हमारे पास क्या है, जिनसे ओजोन को नुकसान पहुंचता है। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको आप यहां पर भी यूज करो ओजोन को नुकसान पहुंचेगा, आप यहां अपने घर पे भी यूज करोगे, अपने ऑफिस में यूज करोगे, ओजोन को नुकसान पहुंचेगा उन प्रोडक्ट से यूज करने से। तो वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, HCFC,
सीएफसी, सबसे ज्यादा सीएफसी नुकसान पहुंचाता है, ये याद रखना। मैक्सिमम नुकसान ओजोन को कौन पहुंचाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी, ये बात याद रखना। ये नुकसान तो ये भी सब पहुंचाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा टॉप कंटेंडर नंबर वन पोजीशन पे ये है, ये फर्स्ट नंबर पे है। फिर उसके बाद मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ठीक है, हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड और हाइड्रोब्रोमोफ्लोरो कार्बन और हेलोन्स, ये सब वो चीजें हैं जो हमारे पास ओजोन को नुकसान पहुंचाती है। तो क्या होता है बच्चे, 1987 में सब कंट्रीज मिले और उन्होंने कहा कि ओजोन को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ओजोन जो है वो सन से जो यूवी रेडिएशन आती है, सन से जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन अर्थ पर आती है, उनसे ह्यूमन को प्रोटेक्ट करता है कौन? ओजोन, ठीक है। अगर ये यूवी रेडिएशन सन की ह्यूमन तक पहुंच जाए तो कैंसर हो जाएगा। तो जो हमारे पास ओजोन लेयर है, बचपन में पढ़ा होगा आपने, ओजोन लेयर जो है वो सन से जो यूवी रेडिएशन अर्थ तक आती है उसको रोकने का काम करती है। तो जो 1987 में सब कंट्रीज इकट्ठा हुए और उन्होंने 1989 से इस प्रोटोकॉल को लागू कर दिया, जिसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था? ओडीएस के यूजेस को रिड्यूस कराना, मतलब कि ऐसे प्रोडक्ट्स का यूजेज कम कराना, हाँ जी, ऐसे प्रोडक्ट्स का यूजेज कम कराना जिससे ओजोन को नुकसान पहुंचता हो, ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट्स का यूजेज कम कराना, रिड्यूस कराना, जिससे अल्टीमेटली ओजोन को नुकसान पहुंचता हो, दैट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल। अब एक बात और याद रखना बच्चों, ओजोन की लेयर जो है, ऐसा कहा जा रहा है, दो क्वेश्चन बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट, ओजोन की लेयर के बारे में ये कहा जा रहा है कि 2050 तक वो फिर से फुल्ली रिप्लेनिश हो जाएगी, मतलब फुली रिप्लेनिश का मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट जैसी कंडीशन होनी चाहिए वैसी हो जाएगी 2050 तक, अगर हमने इसी तरह से सिस्टम को मेंटेन रखा, ठीक है। हाँ जी, ओजोन लेयर फिर से क्या हो रही है? रिकवर कर रही है, याद रखना, ओजोन लेयर फिर से रिकवर कर रही है। और ओजोन की जो मोटाई होती है, जो ओजोन की विड्थ होती है, वो मापी जाती है इन डॉब्सन यूनिट, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ओजोन की विड्थ, ओजोन की मोटाई कैसे मापते हैं? डॉब्सन यूनिट में, मीटर सेंटीमीटर में नहीं मापते। ओजोन की मोटाई किसमें मापते हैं? ओजोन की विड्थ किसमें मापते हैं? डॉब्सन यूनिट में। हाँ जी रश्मिंदर सिंह जी, बिल्कुल, अगर मैं पूछूं कि सीएफटी कहां मिलता है सारा, तो ये फ्रिज में पहले हुआ करता था, अब तो इसकी रिप्लेसमेंट आ गई है, ठीक है, एसी और हमारे पास फ्रिजेस में इसका सबसे ज्यादा यूज था। हाँ जी बच्चों, बताओ मुझे कि ओजोन विड्थ वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? डॉब्सन यूनिट में हम ओजोन की विड्थ को मेजर करते हैं, चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास मिनीमाटा कन्वेंशन, हाँ जी, लेट्स टॉक अबाउट मिनीमाटा कन्वेंशन। इनसे बच्चों सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, जो आज हम पढ़ रहे हैं इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मिनीमाटा कन्वेंशन, ये मरकरी से जो पॉल्यूशन होता है उसको रोकने के लिए, मरकरी एक पॉल्यूशन, एक पॉल्यूटेंट की तरह काम करता है, इसको रिड्यूस करने के लिए मिनीमाटा कन्वेंशन हुई थी। मिनीमाटा एक सिटी है जापान में, हाँ जी क्लियर। तो ये हमारे पास इसमें मर्करी और उसके कंपाउंड से जो होने वाले ह्यूमन हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट है उसको रोकने के लिए, इट वाज एग्रीड इन द फिफ्थ सेशन ऑफ द इंटर गवर्नमेंट नेगोशिएशन कमेटी इन जिनीवा स्विट्जरलैंड 2013, जिनीवा स्विट्जरलैंड 2013 में ये इस कन्वेंशन के ऊपर बात की गई थी। क्योंकि नाम मिनीमाटा कन्वेंशन कहां से आया? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि मिनीमाटा कन्वेंशन नाम कहां से आया। रश्मिंदर बोल रहे प्लीज डिस्कस द होल इन ओजोन लेयर। रश्मिंदर बच्चे, अगर तुम्हारे सिलेबस के पॉइंट से इंपॉर्टेंट होता तो मैं जरूर डिस्कस करता, फालतू में टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है ना बच्चे। अगर आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट होता तो मैं जरूर डिस्कस करता, ओजोन में होल था लेकिन रिप्लेनिश हो रहा है, ठीक है, वो मैं पता है और मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। हाँ वेरी गुड आलमजीत जी, वेरी गुड आलमजीत। तो मिनीमाटा डिसीज जो है वो हमारे पास डिसऑर्डर है जो हमारे पास मिथाइल मरकरी पॉइजनिंग की वजह से होती है। और सबसे पहले कहां मिली थी ये डिसीज के बारे में कहां पता चला था? मिनीमाटा बे जापान के आसपास के एरियाज में, मिनीमाटा बे जापान के आसपास के एरियाज में मिला था, फिश के अंदर
ये हमारे पास पॉइजन जो पहुंच गया था, जैपनीज लोग बहुत ज्यादा फिश कंज्यूम करते हैं। अब ये फिश के अंदर कहां से पहुंचा, इंडस्ट्रियल वेस्ट से, लोगों ने फिश को कंज्यूम किया और अल्टीमेटली उनमें डिजीज देखने को मिली जिसको हम बोलते हैं मिनीमाटा डिजीज। तो मिनीमाटा डिजीज का अल्टीमेट रीजन क्या होता है, मर्करी पॉइजनिंग। तो उसको रोकने के लिए हमारे पास, उसको रोकने के लिए अल्टीमेटली ये मिनीमाटा कन्वेंशन आई थी। वेरी गुड आलम जी ढिल्लों जी, बहुत अच्छे आपने पहले ही आंसर किया हुआ कि मिनीमाटा डिजीज क्या होती है, कि जो मर्करी की वजह से होती है। गुड, बलराम जी बस पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, सिलेक्शन जरूर होगा। अब देखो व्हाट इज मिनीमाटा कन्वेंशन, यहां पे मैंने थोड़ा और इसको समझाने की कोशिश किया थ्रू द WHO पोस्टर, WHO का पोस्टर है उसके थ्रू समझाने की कोशिश की है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास, इसमें हमारे पास अगर हम बात करें तो मिनीमाटा कन्वेंशन में जो हमारे पास थर्मामीटर होते हैं उनमें मर्करी होता है। अब थर्मामीटर को यूज करके हम फेंक देते हैं, उस वजह से मर्करी तो हमेशा क्या होगा, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में आ जाएगा। प्रोमोट ओरल हेल्थ एंड रिड्यूस अमलगमस यूज डेंटल हमारे पास, और मॉनिटर मर्करी एक्सपोज एंड प्रोवाइड हेल्थ एडवाइस। तो ये सब कहीं ना कहीं हमारे पास मिनीमाटा कन्वेंशन को लेकर है। मिनीमाटा कन्वेंशन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव मर्करी के यूजेज को रिड्यूस करना और उससे होने वाले पोल्यूशन को रिड्यूस करना है। हाँ जी क्लियर, चलिए लास्ट हमारे पास रोटन डैम कन्वेंशन, ठीक है आज के लिए लास्ट। ओके लेट्स टॉक अबाउट द रोटन डैम कन्वेंशन। सो व्हाट इज रोटन डैम कन्वेंशन, इट वाज अडॉप्टेड ऑन 10th of September 1988, ठीक है 1988 में ये अडॉप्ट की गई, ठीक है। रोटन डैम नीदरलैंड, रोटन डैम का है नीदरलैंड में, और कब से फोर्स में आई, 2004 से। इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, पेस्टिसाइड्स जो जिनका ह्यूमन हेल्थ पे और एनवायरमेंट पे बहुत बुरा असर है, और इंडस्ट्रियल केमिकल का जिनका ह्यूमन हेल्थ और एनवायरमेंट पे बहुत बुरा असर है, उनको बैन कराना, उनके यूज को बंद कराना, ये हमारे पास रोटन डैम कन्वेंशन। और पंजाब वाले बच्चों को तो ये पता होना चाहिए, क्योंकि आप अपनी स्टेट में बात कीजिए कि रोटन डैम कन्वेंशन को प्रॉपरली इंप्लीमेंट कीजिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपने याद रखना, रोटन डैम कन्वेंशन कब एग्जिस्ट, कब हमारे पास एनफोर्स में आई थी, कब फोर्स में आई थी, 2004 में, और पेस्टिसाइड और इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट को लेकर, ये इंडस्ट्रियल और केमिकल और पेस्टिसाइड को लेकर ये बात करती है, ठीक है। आलमजीत जी मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में बता दिया था कि 7 से 8 क्वेश्चन एनवायरमेंट से रिलेटेड आ रहे हैं, पिछले जितने भी पेपर में उठा के देखता हूं कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के, 7 से 8 क्वेश्चन। हां जी क्लियर हो रही है बात, यहां तक बताओ जी, किसी को कोई डाउट। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये बच्चे आज का लेक्चर बहुत ही सिंपल था, ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ, अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से पेपर करके आइएगा, और होपफुली आप कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर बन जाओ, हमारी विशेस आपके साथ। और अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हो तो टेलीग्राम पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, यहां पर आप डाउट भी पूछ सकते हो, ठीक है। हाँ जी कोई डाउट तो नहीं आज किसी को लेक्चर से, हाँ जी कोई डाउट किसी को आज के लेक्चर से, सो यू कैन ज्वाइन मी, ठीक है ओके एट टेलीग्राम। ओके चले जी, थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
हाँ जी सत श्रीकाल भाई सारे नू खासे टाइम बाद मेरे ख्याल पिछले मंगलवार की अपनी गल हुई हुई है ना, मंगलवार को अपनी क्लास थी उदन आप जो भी चैप्टर खत्म किया मैं तो याद भी नहीं है। अपना जोड़ा पंजाब सक्सैस मंत्रा तो कोपरेटिव इंस्पैक्टर लिए सिलेबस स्टार्ट किया हुआ से तो वह क्वांट्स का सिलेबस अपना मोटे रूप से खत्म हो रहा है, एक दो चैप्टर रह गए तो वड्डा चैप्टर अपना मेंसुरेशन है बच्चे, मेंसुरेशन 2D भी है मेंसुरेशन 3D भी है। हाँ जी गुड ईवनिंग भाई सारे सत श्री अकाल। तो अज की क्लास के मेंसुरेशन 2D स्टार्ट कर लगे हाँ। हाँ कौशिक सनी अमनदीप पठानिया बुद्ध प्रदीप निशु पूनम श्वेता हाँ मतलब पिछले ट्यूजडे तो बाद अपनी 5-6 दिन बाद क्लास हैगी। तो अज की क्लास के यार सीधी जी गल आप शुरू करते हैं बड़ा टाइम नहीं चकते। अज की क्लास आप मेंसुरेशन 2D स्टार्ट करते हैं, मेंसुरेशन 2D तो इस तो बाद मेंसुरेशन 3D करा मतलब एक गल मैं दस दिना सारे कि यार दो चार अक्षर तो सारे ने कितों ना कितों पढ़े ही हुए हैं तो आप भी मन के चलते हैं कि थोड़े चो एक सैक्शन यह जहा होगा स्टूडेंट्स का जिन्हें अज तक तैयारी नहीं की होगी सारी की सारी तैयारी इतों शुरू की होगी पंजाब सक्सैस मंत्रा तो बच्चे पहली क्लास के जो सिलेबस डिस्कस किया जो भी 2-3 महीने पहले बैच स्टार्ट होया सीगा सिलेबस डिस्कस करने वेले अपने जो एक चैप्टर डिस्कस किए सारे चैप्टर आपते हैं अपना मेंसुरेशन 2D तो मेंसुरेशन 3D एक चैप्टर से दोनों कंबाइन करके गल करिए वड्डा चैप्टर है। पेपर के क्वेश्चन आए तो एक ही आऊगा, कदे होंगे कि दो क्वेश्चन आ जाएंगे अदरवाइज एक क्वेश्चन तो आऊगा ही आऊगा। तो वड्डे चैप्टर का मतलब यह नहीं है कि यार चैप्टर वड्डा पर एक ही क्वेश्चन उन्हें छड़ दिए, थोड़ा जा ध्यान नाल देखियो आप इस तो पहला भी वड्डे चैप्टर किए ने, प्रॉफिट लॉस अपना वड्डा चैप्टर से, कंपाउंड भी कोई छोटा नहीं वड्डा चैप्टर से, टाइम एंड वर्क वड्डा चैप्टर सेगा। तो अपने जेडे भी वड्डे चैप्टर ने उन्हें चो भी एक एक दो दो क्वेश्चन आने। मेंसुरेशन वड्डा तो हैगा पर बहुत सौखा चैप्टर है, जेड़े फॉर्मूले मेंसुरेशन के स्कूल च पढ़े हुए ने 8वीं 10वीं तक पढ़े ने बिल्कुल उही फॉर्मूले रिवाइज करने ने, उस तरह के क्वेश्चन रिवाइज करने ने, बस ऐतकी फर्क इन्ना क्या कि यार आप घट तो घट पेन वरतना है, कुछ ट्रिक्स सीखने ने, क्वेश्चन के फॉर्मेट देखने के क्वेश्चन कहो जो डिजाइन होंगे सीधे सीधे क्वेश्चन पेपर के आ जाते हैं जो आप क्लासा करा तो बस इधर ध्यान देना है। तो यह चैप्टर हालांकि थोड़ा जा वड्डा है, मेंसुरेशन 2D शायद अपना 2-3 क्लासा च जाऊगा फिर 2 क्लासा के अपना 3D भी जाऊगा, पर इन्नी गल है कि पेपर च जे कितों भी कोई क्वेश्चन आता है वो साढ़े किते हुए चो आजगा। सो इस करके थोड़ा जा 2-3 जी 4 क्लासा लगनिया ने यदिया थोड़ी जी ध्यान ना ला लियो। नहीं मैं वोट नहीं पाई, मैनू क्यों वोट पूछी जाने यार, मैं वोट पानी नहीं सी। हाँ ओके फस्ट टाइम वाले जो स्टूडेंट्स है तो मैं एक गल दस दिना गा खास करके जो फस्ट टाइम वाले स्टूडेंट ने कि पढ़ाने लग्या मेरे ध्यान से हमेशा ही होंगे है कि जिन्ना भी स्टूडेंट लाइव सैशन देख रहे हैं जां मगरों वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब के उत्ते उन्होंने एक स्टूडेंट एक सैक्शन स्टूडेंट्स का यह जहा होगा जो बिल्कुल नवे सिरे तो तैयारी कर रहा है। तो मैं ये कदे नहीं मान के चलता कि थोड़े चो एक मतलब भी थोड़े चो कुछ ना कुछ सारे पढ़े ही बैठे हो तो आप थोड़ा जा तेज कर लेने जा थोड़ा जा आप उपर उपरों जो कर लेने बेसिक पढ़िया हुआ तो कदे बेसिक नहीं छड़े, बहुत छोटिया चीज़ा भी कई बार इस करके दसिया ने कि कुछ बच्चों ने चीज़ा बिल्कुल पहली बार देखने तो यह मेरे ध्यान हमेशा ही होंगे है। हाँ जी तो आप मेंसुरेशन 2D की गल करते हैं बच्चे, मेंसुरेशन 2D कि होंगी है आप मेंसुरेशन 2D फिर कल मेंसुरेशन 3D भी कदे पढ़ा तो 2D इज बेसिकली 2-dimensional। हुण बंदे बन के आपदे कमेंट कमुंट करने बंद कर दो, थोड़ा जिहा ध्यान नाल गल सुन लो चैप्टर नूं मैं दसन लग्या कि चैप्टर दे विच पढ़ना की हैगा। तो बच्चे मेंसुरेशन 2D इज बेसिकली 2-dimensional। मेंसुरेशन की हुंदी है 2-dimensional इमेजिज कहड़ियां हुंदियां ने, 2-dimensional इमेजिज ओ इमेजिज हुंदियां ने
ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੇਜਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਐਕਸਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਸਿਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮੇਜਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਐਕਸਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 2D ਇਮੇਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੋ ਐਕਸਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੋ ਐਕਸਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆ ਪਲੇਨ ਸਰਫੇਸ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮੇਜਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ 2D ਇਮੇਜਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ 2D ਇਮੇਜਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸੁਰੇਸ਼ਨ ਚ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ? ਸਕੁਆਇਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਗਰ ਸਕਰੀਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਸਕਰੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਇਮੇਜ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਮੇਜਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 2D ਇਮੇਜਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਕੁਆਇਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਕੁਆਇਰ 2D ਇਮੇਜ ਹੈ। ਸਕੁਆਇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਕਟੈਂਗਲ, ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਰੋਮਬਸ, ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਸਰਕਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੇਜਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 2D ਇਮੇਜਸ ਨੇ। ਸਿਲੰਡਰ 2D ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਦਿਖਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ 2D ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਉਹ 3D ਇਮੇਜ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 3D 'ਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ 2D ਇਮੇਜਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ 2D ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੇਜਸ 2 ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ 2 ਐਕਸਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੇਜਸ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 2D ਇਮੇਜਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮੇਜਸ ਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ। ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਜਾਂ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਡਾਇਗਨਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ 2D ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਮੇਜਸ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕੁਆਇਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤਾਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕੁਆਇਰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣੇ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਅੱਖਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ 0 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ 0 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਅੱਖਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਹੋਊਗੀ। ਸਕੁਆਇਰ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਸਕੁਆਇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸਕੁਆਇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਸਕੁਆਇਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਕੁਆਇਰ ਤੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ 'ਚ ਕੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਸਕੁਆਇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਪਾਥ, ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਪਾਥ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਸਰਕਲ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਸਰਕਲ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸਰਕਲ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਇਮੇਜਸ ਆਪਾਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਨੰਬਰ 2 ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ, ਨੰਬਰ 3 ਰੋਮਬਸ। ਤਾਂ ਇਹ 3 ਇਮੇਜਸ, ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ ਤੇ ਰੋਮਬਸ, ਇਹ 3 ਇਮੇਜਸ ਆਪਾਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਨਿਬੇੜ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੁਆਇਰ ਬਿਲਕੁਲ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਪਾਥ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਰਕਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਸਰਕਲ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਰੋਮਬਸ ਤੇ ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਪਣਾ 2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਫਿਰ 2.5 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ, 2.25 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਸੇ ਆਰਡਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਇਕੁਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ 2D ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕੁਆਇਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਮੈਂਟ ਹੈਗਾ? ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਆਈ ਨੇ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦਾ 1 ਜਾਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ 2D ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, 3D ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ,
पटवारी का पेपर जो 2016 होया 15 क्वेश्चन आने से अपने क्वांट्स के 15 के 15 मैंसुरेशन चो आने से ऐतकी जो पटवारी का पेपर होया तो 30 क्वेश्चन आने से 30 के 30 मैंसुरेशन चो नहीं पर उन्होंने कहा कि मैंसुरेशन चो वध तो वध क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 30 च 7 पता नहीं 8 क्वेश्चन मैंसुरेशन चो आए थे। पटवारी के 2 पेपर होए थे पहला प्रीलिम्स होया फिर मेन्स होया तो दोनों पेपर च 30 चो 7-8 क्वेश्चन थोड़े मैंसुरेशन चो पूछे गए थे। आम तौर पर जो बाकी पेपर होंगे ने जो मर्जी विभाग का जो मर्जी महकमे का पेपर होना है पीसीएस का पेपर होना कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर का पेपर होना होर महीने नैब तहसीलदार का पेपर होना तो उन्होंने मैंसुरेशन के 1-2 क्वेश्चन तो हमेशा पूछे जाने ने। जिहड़े बच्चे कल SSC की तैयारी करनगे SSC CGL की मैं गल कर रहा टायर 1 होंदा टायर 2 दे विच तां मतलब पूरे का पूरे ही 200 नंबर का पेपर मैथ का क्वांट का होंदा है उत्थे मैंसुरेशन की वेटेज बहुत ज्यादा होंदी है बाकी सबजैक्टा के मुकाबले। सो इस करके मैंसुरेशन जे आपां ओवरऑल पेपर की गल करिए मैंसुरेशन खासा इंपोर्टेंट चैप्टर है लंबा है पर सौखा चैप्टर है। सो इस करके तुहाडा टाइम तो चक्या जाऊगा चैप्टर तैयार करदे पर सौखा है इस करके कली कली चीज तुसीं सौखे तरीके नाल समझते जाओगे बाल बहुत जानी पऊगा दिमाग के उत्ते। हाँ जी बच्चे सब तो पहले स्क्वेयर तो स्टार्ट करते हैं। वट इज स्क्वेयर? आप सब तो पहले यही देखना कि जिहड़ी भी इमेज की गल हो रही है स्क्वेयर की गल हो रही है तो स्क्वेयर की इमेज होंगी है उन्होंने डिफाइन किवें करना है फिर उसकी डायमेंशन आप रीड करनिया ने जो कुछ निचोड़ जा निकल वो आप कटते जावे। तो सब तो पहला स्क्वेयर वैसे मैं बनाया होया है स्क्वेयर मैं बनाया होया पर स्क्वेयर नू डिफाइन किवें करांगे बाई बन के मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कापी पेन 2 मिनट बंद रखियो अपने। स्क्वेयर की हुंदा है बच्चे वैसे जदों आपां किसी भी 2D इमेज नू डिफाइन करांगे खैर हाले तो आपां स्क्वेयर की गल करन लगे पहली इमेज स्क्वेयर पढ़न लगे इस तो बाद आपां रैक्टेंगल पढ़ांगे सर्कल पढ़ांगे ट्रपीजियम पढ़ांगे ट्रायंगल पढ़ांगे जो मर्जी लल्ला भब्बा अगे जाके आपां पढ़ी जाना है किसी भी 2D इमेज नू डिफाइन करन लगे की कहांगे आपां कि इट इज़ एन एनक्लोज्ड इमेज एनक्लोज्ड है ना बंद है ना इहदा मूंह कितों खुला नहीं है सो इट इज़ एन एनक्लोज्ड इमेज। स्क्वेयर किस तरह की एनक्लोज्ड इमेज होंगी है जिहदी 4 साइडां होंदियां ने सबनों पता है भी इहदी 4 साइडां होंदियां ने यह भी सबनों पता होगा। मैं देखा किसी ने कमेंट तो नहीं किसी ने कमेंट नहीं किया अमनजीत कौर ने एक कमेंट किया होगा ओके हिमांशु एक मिनट मैं देखना। तो बच्चे सब नू पता है भी भाई स्क्वेयर दी 4 साइडां होंदियां चार इक्वल होंदियां ने चारा च 2 आमो सामने ने 2 आमो सामने ने तो इन डिफाइन किवें करांगे इट इज एन एनक्लोज्ड इमेज विद 4 इक्वल साइड्स चार इक्वल साइड्स इन विच कहो जी चार इक्वल साइड्स इन विच 2 ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल क्योंकि चार इक्वल ने तो 2 ऑपोजिट इक्वल तो हो गया पर वो पैरेलल भी हो गया आह दोनों भी इक्वल एंड पैरेलल 2 ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल वेयर adjacent sides are perpendicular to each other adjacent sides perpendicular ne hun do shabd aage opposite sides te adjacent sides bacche opposite kon hunda hai adjacent kon hunda hai punjabi ch sun lo jehda ta thode ghar de jama samne rehnda sadak paar oh ta thode opposite rehnda hai ta jehda thode jama samne rehnda opposite rehnda hai ede samne aaha hai ta eh opposite da pair hai ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਜਸੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਐਡਜਸੈਂਟ ਆ ਹੈ ਆ ਵੀ ਐਡਜਸੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਐਡਜਸੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਐਡਜਸੈਂਟ ਆ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਾਲਾ ਐਡਜਸੈਂਟ ਜਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੁਆਇਰ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਨਕਲੋਜ਼ਡ ਇਮੇਜ ਵਿਦ 4 ਇਕੁਅਲ ਸਾਈਡਸ चार इक्वल साइड्स इन विच ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल वेयर इज एडजेसेंट साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एडजेसेंट साइडा परपेंडिकुलर ने यानी के सारे एंगल 90 डिग्री दे इहदा की मतलब के सारे एंगल 90 डिग्री दे बनणगे आ 90 डिग्री दे ने चारे एंगल। तो सब तो पहला बच्चे आप पढ़ना पैरीमीटर की हुंदा हाँ जी पैरीमीटर की हुंदा किसी भी 2D इमेज का पैरीमीटर पढ़ा हाले आप स्क्वेयर तो शुरू कर रहे हैं गल तो स्क्वेयर का पैरीमीटर पैरीमीटर होंगे कि यार जिहड़ी भी इमेज की गल हो रही आदि बाउंड्री की लेंथ किन्नी आ हुण बाउंड्री ते की है किसी भी इमेज की गल कर लो इत्थे अपने सामने स्क्वेयर है बाउंड्री ते की है बाउंड्री ते ने उहदी चारे साइडां बाउंड्री ते उहदी चारे साइडां ने ना आप स्क्वेयर दी साइडां का नाम लिख दिंदे आ आ ए पॉइंट है वर्टेक्स आ बी आ सी आ डी क्योंकि बच्चे चारे साइडां बराबर ने इट इज एन एनक्लोज इमेज विद 4 इक्वल साइड्स तो एक साइड नूं आपां ए यूनिट मान लिया
एक साइड नूं आपां ए यूनिट मान लिया तां चारे साइडां ए यूनिट ने, स्क्वेयर दी साइड ए है तां पैरीमीटर हुंदा बाउंड्री दी लेंथ, ते बाउंड्री ते तां चारे साइडां ही ने, तां स्क्वेयर दा पैरीमीटर की हो गया सम ऑफ ऑल साइड्स ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए फोर ए, तां बच्चे स्क्वेयर दा पैरीमीटर की हो गया फोर ए, जिथे ए की है साइड ऑफ स्क्वेयर, तां जे स्क्वेयर दी साइड ए यूनिट है तां स्क्वेयर दा पैरीमीटर हो गया फोर ए। दूजे नंबर ते आ गया डायगनल, तां बच्चे डायगनल की होगा, डायगनल हुंदा की आ, डायगनल हुंदा है कि जिहड़ी भी इमेज की गल हो रही है, जिहड़ी भी इमेज का मतलब स्क्वेयर तो बाद भी जो जो पढ़ना उत्थे भी आपां डायगनल पढ़ते जावांगे, इत्थे आपां स्क्वेयर पढ़ रहे हैं तां स्क्वेयर का डायगनल देखांगे की हुंदा है। डायगनल हुंदा है कि जिहड़ी भी इमेज की गल हो रही है उहदे विच सब तो लंबी लाइन ड्रॉ करने, दैट इज डायगनल। द लोंगेस्ट कोड लाइन नूं मैं कोड कह रहा, द लोंगेस्ट कोड दैट कैन बी ड्रॉन विद इन ए स्क्वेयर, दैट इज इट्स डायगनल। द लोंगेस्ट कोड केड़ी आ, हुण मैं लाल मार्कर यूज करदा ते मैं लोंगेस्ट कोड ड्रॉ करन दी कोशिश करदा, बच्चे की इह लोंगेस्ट कोड हैगी आ? नहीं जी, इह लोंगेस्ट कोड नहीं हैगी। की इह लोंगेस्ट कोड हैगी आ? बिल्कुल नहीं, इह भी लोंगेस्ट कोड नहीं हैगी, तां इह डायगनल नहीं हैगा। डायगनल हुंदा है द लोंगेस्ट कोड that can be drawn within a square, क्योंकि square की गल हो रही है इस करके मैं square लिखता। तो diagonal होंगे कि भाई उस image के विच जिहड़ी तुसी सब तो लंबी कोड draw कर सकते हो ਉਹਦਾ ਡਾਇਗਨਲ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਕੋਡ ਕਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਰਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵਰਟੈਕਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਗਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਕੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਰਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵਰਟੈਕਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਇਗਨਲ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਬੱਚੇ? ਡਾਇਗਨਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਦੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੀ ਤੋਂ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਡਾਇਗਨਲ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਡਾਇਗਨਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ? ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਦੋ ਡਾਇਗਨਲ, ਇੱਕ ਏ ਸੀ ਇੱਕ ਬੀ ਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕੋ ਹੀ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੋ ਡਾਇਗਨਲ ਬਣੇ ਏ ਸੀ ਤੇ ਬੀ ਡੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਡਾਇਗਨਲ ਦੀ ਲੈਂਥ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਦੇਖਿਆ 4a ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਇਗਨਲ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਡਾਇਗਨਲ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਬਣੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਗਨਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡੀ ਵਨ ਲਿਖਤਾ, ਇੱਕ ਡਾਇਗਨਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡੀ ਟੂ ਲਿਖਤਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਡਾਇਗਨਲਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਲੱਛਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਡਾਇਗਨਲਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇਗੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਦੋਵੇਂ ਡਾਇਗਨਲ D1 ਤੇ D2 ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਡਾਇਗਨਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ AC ਤੇ BD ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਡਾਇਗਨਲ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ, ਸੋ D1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ D2। ਦੋਵਾਂ ਡਾਇਗਨਲਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਬੋਥ ਦਾ ਡਾਇਗਨਲਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਬੋਥ ਦਾ ਡਾਇਗਨਲਸ ਆਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਬੋਥ ਦਾ ਡਾਇਗਨਲਸ ਆਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। ਤੀਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਥ ਡਾਇਗਨਲਸ ਆਰ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਡਾਇਗਨਲ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਬੋਥ ਡਾਇਗਨਲਸ ਬਾਈਸੈਕਟ ਈਚ ਅਦਰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਾਈਸੈਕਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਡਾਇਗਨਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਇਗਨਲ ਜਿਹੜਾ D1 ਉਹ D2 ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ D2 ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚੋਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ D2 ਹੈ ਉਹ D1 ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਧਾ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੱਧਾ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਡਾਇਗਨਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੈਂਥ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅੱਧੀ ਲੈਂਥ ਇੱਧਰ ਹੈ ਅੱਧੀ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਡਾਇਗਨਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੈਂਥ ਜਿੰਨੀ ਦੀ ਹੈ ਅੱਧੀ ਉੱਧਰ ਹੈ ਅੱਧੀ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੈਂਥ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਲੈਂਥ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਡਾਇਗਨਲ ਏ ਸੀ ਤੇ ਬੀ ਡੀ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਡੀ ਵਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡੀ ਟੂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਧ ਓ ਏ ਓ ਬੀ ਓ ਸੀ ਤੇ ਓ ਡੀ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਡਾਇਗਨਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੈਂਥ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ 'ਚ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਧ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅੱਧ ਓ ਏ
ओबी ओसी ते ओडीवी बराबर है। तो ये आप बच्चे डायगनल दी प्रॉपर्टीज सारी ऐड कर लिया, आपां तां डायगनल दी लेंथ देखनी है ना किन्नी होगी, जिवें पैरीमीटर की है 4a दे बराबर तां डायगनल दी लेंथ किन्नी होगी ओ आपां देखदे आ किसे एक डायगनल नाल, क्योंकि दोनों डायगनल सेम लेंथ दे है तां किसे एक डायगनल दे नाल देखदे आ आपां। आपां डायगनल बना लिया बच्चे BD जिदी लेंथ D है, क्योंकि दूजा डायगनल भी सेम लेंथ दा सी तां आपां BD फाइंड कर लेने, उही AC दी लेंथ होगी, डायगनल दी लेंथ होनी हो जू। हुण डायगनल D ले आपां BD ले लिया तां ट्रायंगल ले लो बच्चे ABD, ट्रायंगल ABD राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABD राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल सारिआं नूं पता किहड़ी थ्योरम लगदी है, पाइथागोरस थ्योरम। ते पाइथागोरस थ्योरम की कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये सारे नूं पता है कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल दे विच पाइथागोरस थ्योरम लगती है, जिदे विच हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज जिहड़ा 90 डिग्री दे जमा ओपोजिट हुंदा है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज डायगनल है, बेस ते परपेंडिकुलर दोनों ए यूनिट ने, तो डायगनल का स्क्वायर इतने लिख दें, डायगनल का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस भी ए है, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर भी ए है, तो डायगनल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a² ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a², तो डायगनल किसके बराबर आ जू ए रूट 2। अब बच्चे डायगनल किसके बराबर आ गया ए रूट 2, जिथे ए की है स्क्वायर दी साइड। सो बच्चे जिन्नी भी तुहाडी स्क्वायर दी साइड है, मान लो स्क्वायर है जिदी साइड 6 सेंटीमीटर है, तो उहदा डायगनल किन्ना हो जाए 6√2, उहदा पेरीमीटर किन्ना हो जाए 4 × 6 = 24 सेंटीमीटर, तो डायगनल हो जाए 6√2। जे तुहाडे कोल स्क्वायर है जिदी साइड 10 सेंटीमीटर है, तो उहदा डायगनल किन्ना हो जाए 10√2। सो तुहानू स्क्वायर दी साइड दित्ती होवे तां डायगनल की हो जू, साइड दे नाल रूट 2 गुणा कर दो। हुण मन लो तुहानू किसे स्क्वायर दा डायगनल दित्ता होया 15√2, किसे स्क्वायर दा डायगनल दित्ता 15√2, तां उहदी साइड किन्नी हो जू 15√2 च 15 उहदी साइड है, तां इस गल दा हमेशा ध्यान रखना। हां जी, ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਏਰੀਆ। ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਡ ਸਕੁਆਇਰ, ਜੋ ਵੀ ਸਕੁਆਇਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਏ ਯੂਨਿਟ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਹ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਈਡ ਸਕੁਆਇਰ, ਸਾਈਡ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਏ ਯੂਨਿਟ, ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, 10 12 15 ਕੁਛ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਸਕੁਆਇਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ, ਉਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ, ਜੋ ਏਰੀਆ ਇਜ਼ ਸਾਈਡ ਸਕੁਆਇਰ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ, ਦੂਜੀ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੁਆਇਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਤਾਂ ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜੂ 8² = 64 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਆਇਰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਏਰੀਆ ਆ ਜੂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਰ ਕਹੇ ਕਿ ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ ਡਾਇਗਨਲ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਡਾਇਗਨਲ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਸਾਈਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਗਨਲ ਗਿਵਨ ਦੇ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਡ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਈਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਰ ਕਹੇ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਸਕੁਆਇਰ ਵਿਦ ਸਾਈਡ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਫਾਈਂਡ ਇਟਸ ਏਰੀਆ, ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰ ਦਿਓ ਏਰੀਆ ਆ ਜੋ 8² = 64। ਪਰ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਸਕੁਆਇਰ ਵਿਦ ਡਾਇਗਨਲ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਡਾਇਗਨਲ ਤੋਂ ਏਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਏਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਾਈਡ ਸਕੁਆਇਰ ਏ ਸਕੁਆਇਰ, ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਰ ਡਾਇਗਨਲ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਡਾਇਗਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਡ ਕੱਢਣੀ ਪਊਗੀ, ਸਾਈਡ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਏਰੀਆ ਆਊਗਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਯਾਰ ਵੀ ਡਾਇਗਨਲ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਡ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਗਨਲ ਤੋਂ ਹੀ ਏਰੀਆ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਗਨਲ ਤੋਂ ਵੀ ਏਰੀਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਡਾਇਗਨਲ ਤੋਂ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਹਾਫ ਇੰਟੂ ਡੀ ਸਕੁਆਇਰ,
ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਨਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹਾਫ ਇੰਟੂ ਡਾਇਗਨਲ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦੋ। ਸਕੁਅਰ ਕੱਲੇ ਡਾਇਗਨਲ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਾਫ ਸਕੁਅਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਹਾਫ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਡੀ ਸਕੁਅਰ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਫ ਇੰਟੂ ਡੀ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਕੁਅਰ ਜਿਹਦਾ ਡਾਇਗਨਲ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਜੂ? ਹਾਫ ਗੁਣਾ 12 ਸਕੁਅਰ, 12 ਸਕੁਅਰ 144 ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹਾਫ ਗੁਣਾ 12 ਸਕੁਅਰ 72 ਆਂਸਰ ਆ ਜੂਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਨਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਏਰੀਆ ਨਿਕਲਿਆ ਆਊਗਾ ਹਾਫ ਡੀ ਸਕੁਅਰ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਡਾਇਗਨਲ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਡਾਇਗਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਡ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਕੇ ਏਰੀਆ ਉਨਾ, ਡਾਇਗਨਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਏਰੀਆ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਹਾਫ ਡੀ ਸਕੁਅਰ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ 4a, ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੁਅਰ ਜਿਹਦੀ ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ a ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 6, 8, 10, 12, 15 ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਰੀਮੀਟਰ 4 into ਸਾਈਡ, ਡਾਇਗਨਲ a ਰੂਟ 2, ਏਰੀਆ ਜੇ ਸਾਈਡ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਸਕੁਅਰ, ਜੇ ਡਾਇਗਨਲ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਫ ਡੀ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਏਰੀਆ ਆ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, 5 ਸਕਿੰਟ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ, ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆਫ ਏ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ 96 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਦੱਸੋ ਐਂਡ ਦਾ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਡਾਇਗਨਲ, ਡਾਇਗਨਲ ਦੱਸੋ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆਫ ਅ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ 96। ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੀ ਲੈਂਥ, 4a, 4 ਇੰਟੂ ਸਾਈਡ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜੇ ਪੈਰੀਮੀਟਰ 96 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 4 ਇੰਟੂ a ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 96, ਤਾਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 24 ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਸਾਈਡ 24 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਸਾਈਡ 24 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਈਡ ਸਕੁਅਰ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਈਡ ਸਕੁਅਰ, 24 ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ 576। ਉਹਦਾ ਡਾਇਗਨਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? a ਰੂਟ 2। ਜੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੀ 24 ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਇਗਨਲ ਵਿਲ ਬੀ 24√2। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 576 ਐਂਡ 24√2, ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਆ ਜਿੰਨੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਗਗਨਦੀਪ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੱਚੇ। ਗੁਰਵੀਰ, ਅਮਨਜੀਤ, ਲਵੀ, ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦੂਜੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ, ਰਿਤੇਸ਼, ਨੂਰ, ਨੈਂਸੀ, ਪ੍ਰੀਆ, ਪਾਰਿਆ ਸਿੰਗਲਾ, ਕੌਸ਼ਿਕ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਵਰਮਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਜਿੰਨੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ ਡੀ ਆਂਸਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮਨਦੀਪ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ, ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ, ਓਕੇ ਬੱਚੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਪਠਾਨੀਆ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅ ਸਕੁਅਰ ਫੀਲਡ ਆਫ 2 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਇੱਕ ਸਕੁਅਰ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 2 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇੰਟੂ 2 ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਸ ਬਾਏ ਅ ਵਾਲ ਵਿਚ ਕੋਇਨਸਾਈਡਸ ਵਿਦ ਇਟਸ ਡਾਇਗਨਲ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਫੀਲਡ ਆ, ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ 2 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇੰਟੂ 2 ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਸ ਬਾਏ ਅ ਵਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਧ ਕੱਢੀ ਆ, ਵਿਚ ਕੋਇਨਸਾਈਡਸ ਵਿਦ ਇਟਸ ਡਾਇਗਨਲ। ਤੇ ਕੰਧ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਡਾਇਗਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਧ ਕੱਢੀ ਆ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਵਾਲ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਧ ਡਾਇਗਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਧ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਨਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਆਹ ਇੱਕ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਫੀਲਡ ਆ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 2, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਡਾਇਗਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੰਧ ਕੱਢਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੰਧ ਦੀ ਲੈਂਥ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 2 ਤਾਂ ਡਾਇਗਨਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ? ਏਰੀਆ ਤੇ ਡਾਇਗਨਲ ਦਾ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ? ਏਰੀਆ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹਾਫ ਡੀ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਗਨਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ? ਹਾਫ ਡੀ ਸਕੁਅਰ, ਉਹ 2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੀ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 2 ਉੱਪਰ ਚਲ ਜੂ 4। ਜੇ ਡੀ ਸਕੁਅਰ 4 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਇਗਨਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂਗਾ?
4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਡਾਇਗਨਲ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ 2 ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ 2 ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਲਵੀ ਗਰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਰਸ਼ਪਾਲ ਅਮਨਜੀਤ ਨੈਂਸੀ ਕੌਸ਼ਿਕ ਪਰਿਆ ਨਹੀਂ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਠਾਨੀਆ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਗੁਰਵੀਰ ਰਿਤੇਸ਼ ਨੂਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਦੂਜੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਪਾਰਿਆ ਸਿੰਗਲਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ 2 ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਨਰ ਕਹਾਣੀ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕੁਅਰ ਫੀਲਡ ਆ ਸਕੁਅਰ ਫੀਲਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਫੀਲਡ ਆ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹਦਾ ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਤਾ 2 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ 2 ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਹੈ 2 ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੰਧ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢੀ ਉਹਦੇ ਡਾਇਗਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਧ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਧ ਡਾਇਗਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਢੀ ਆ ਤਾਂ ਕੰਧ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਉਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜੋ ਡਾਇਗਨਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੋਊ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਏਰੀਆ ਗਿਵਨ ਡਾਇਗਨਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਏਰੀਆ 2 ਡਾਇਗਨਲ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਡਾਇਗਨਲ ਤੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆਗੇ ਏਰੀਆ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹਾਫ ਡੀ ਸਕੁਅਰ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹਾਫ ਡੀ ਸਕੁਅਰ ਉਹ ਏਰੀਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਹਾਫ ਡੀ ਸਕੁਅਰ ਜੇ 2 ਹੈ ਤਾਂ ਡੀ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਗਿਆ 4 ਆ 2 ਥੱਲੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ ਡੀ ਸਕੁਅਰ ਜੇ 4 ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਇਗਨਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਯੂਨਿਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਜੂ ਮੈਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ 2 ਆਨਸਰ ਆ ਜੂਗਾ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਵੀਡੀਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਈ ਯਾਰ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਜਸਦੀਪ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪੂਨਮ ਕਿਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦ ਏਰੀਆ ਆਫ ਅ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ 22050 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਆ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਪਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ 2 ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਏਰੀਆ 22050 ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਲੈਂਥ ਆਫ ਇਟਸ ਡਾਇਗਨਲ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਡਾਇਗਨਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਏਰੀਆ 22050 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡਾਇਗਨਲ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਏਰੀਆ ਗਿਵਨ ਹੈ ਡਾਇਗਨਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਏਰੀਆ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹਾਫ ਡੀ ਸਕੁਅਰ ਡਾਇਗਨਲ ਨੂੰ ਡੀ ਲਿਖਤਾ ਹਾਫ ਡੀ ਸਕੁਅਰ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 22050 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀ ਸਕੁਅਰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ 1/2 ਹੈ ਇਹ 2 ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਜੂਗਾ 44100 ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਡੀ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ 44100 ਹੈ ਤਾਂ ਡੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜੂ ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕਰਾਂਗੇ 44100 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ 00 ਦਾ ਮਤਲਬ 100 ਹੁੰਦਾ 100 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ 0 ਆ ਗਈ 10 ਰਹਿ ਗਿਆ 100 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕੀਤਾ 10 ਰਹਿ ਗਿਆ 441 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕੀਤਾ 21 ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ 21 10 ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ 210 ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜੂ ਏਰੀਆ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਇਗਨਲ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਾਂ ਚ ਆ ਜੂ 210 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ 210 ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਜਾਓ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਵੀ ਗਰਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਸਰ ਲਵੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਰਸ਼ਪਾਲ ਦੂਜੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੈਂਸੀ ਗੁਰਵੀਰ ਕੌਸ਼ਿਕ ਅਮਨਜੀਤ ਰਿਤੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਅਮਨਦੀਪ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਪਾਰਿਆ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਕੌਸ਼ਿਕ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂਰ ਅਰਪਨ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਰਿਤੇਸ਼ ਪਠਾਨੀਆ ਦਿਲਬਾਗ ਕੌਰਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਨੀ ਸਿੰਘ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਸਦੀਪ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੱਚੇ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਦੱਸੋ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਕੋਸਟ ਆਫ ਬਿਲਡਿੰਗ ਏ ਫੈਂਸ ਅਰਾਊਂਡ ਏ ਸਕੁਅਰ ਪਲਾਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਰ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਕੋਸਟ ਆਫ ਬਿਲਡਿੰਗ ਏ ਫੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਊਗਾ ਆਪਾਂ ਖਰਚਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਰੁਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਾਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢਣਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਏ ਫੈਂਸ ਫੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫੈਂਸ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੈਂਸਿੰਗ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੈਂਸਿੰਗ ਕਰਨਾ ਫੈਂਸਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਲਾਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਗਲ ਮਾਰਨੀ ਉਹਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾੜ ਲਾ ਦੇਣੀ
मतलब जेडी भी तुहाडी फील्ड है, आपा क्योंकि स्क्वायर पढ़ रहे हैं तो अपनी फील्ड है, अपना प्लॉट है स्क्वायर दी शेप दा, तो अपनी स्क्वायर दी शेप दी जेडी भी फील्ड है ओदी जेडी बाउंड्री है, बाउंड्री ते कंध कटदे नहीं, ये हुंदा फेंसिंग करना। तो बच्चे फेंसिंग शब्द कई सवालों च आऊगा, रेक्टेंगल च भी पढ़ांगे, फेंसिंग हुंदा कंध कटदे नहीं, बाउंड्री दे उत्ते कंध कटदे नहीं, चार दीवारी करदे नहीं। तो एग्जामिनर इत्थे पुछ रहा व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग ए फेंस अराउंड ए स्क्वायर प्लॉट, कि एक स्क्वायर दी शेप दा प्लॉट है ओदे आले दुआले कंध कढ़नी है आपां, ते प्लॉट की है विद एरिया इक्वल टू 289। If the price per meter required for building the fence is rupees 70, examiner कहिंदा कुल खर्चा दसो कंध कढ़न दा, boundary दे उते कंध कढ़न दा कुल खर्चा की आऊगा, जे पर मीटर खर्चा 70 रुपए है, कि एक मीटर दा खर्चा 70 रुपए है, तो बस आपां नूं ये पता लग जे कि किन्ने मीटर दी कंध कढ़नी है, एक मीटर दा खर्चा 70 रुपए है, तो जे ये पता लग जे कि किन्ने मीटर दी कंध कढ़नी है, समझ आजूगा 70 गुना करके आंसर आजू, एक मीटर का खर्चा 70 रुपए है तो 2 मीटर का 140 रुपए, 3 मीटर का 210 रुपए, 5 मीटर का 350 रुपए, तो सानू यह पता लग जाए कि किन्ने मीटर की कंध कटनी है, पता लग जूगा 70 गुना करके आंसर आ जूगा। तो किन्ने मीटर कंध निकलनी कितने है बच्चे, कंध निकलती होंगी है चार दीवारी होंगी है बाउंड्री से, तो बाउंड्री से की होंगे पैरीमीटर। तो आप बेसिकली जिथे भी फेंसिंग जिड़ी भी फील्ड की फेंसिंग करनी है वह पैरीमीटर कढ़ना है यार, गिवन की है सानू एरिया गिवन है 289, तो यार जे सानू एरिया दिता होया 289 तो उतो सानू पता लग जूगा कि साइड की हो, एरिया की होंगे साइड का स्क्वायर, साइड की हो जिदा स्क्वायर 289 है साइड होगी 17, साइड 17 है तो पैरीमीटर होंगे 4a, पैरीमीटर इज इक्वल टू 4a, तो 4 × 17 इज इक्वल टू बेसिकली 68 मीटर, तो यार आप 68 मीटर की कंध कढ़नी है, देखो एरिया सानू दिता हुआ सी क्वेश्चन च 289, तो साइड 17 आ गई, साइड तो एरिया स्क्वायर करके तो एरिया तो साइड स्क्वायर रूट करके 17 आ गई, जे साइड 17 है आपा फेंसिंग पैरीमीटर दे राउंड करनी है तो पैरीमीटर आ गया 4 × 17, 4a होंगे तो 4 × 17 68 मीटर, आप 68 मीटर की कंध कढ़नी है, एक मीटर कंध 70 रुपए की है तो 68 मीटर कंध किन्ने की होगी, 68 × 70 मेरे ख्याल 4760 रुपए, ऑप्शन है 4760 कोई, सैकेंड ऑप्शन 4760, कैलकुलेशन बाई बढ़ के आपको अपनी जसबीर कौर ने 4760 आंसर किया, उस तो पहले शुभम गुप्ता ने किया है, प्रिया समझ आ गया कमेंट करके दस, बी ऑप्शन काफी बच्चे ने आंसर किया, रितेश ने किया, नूर ने, अविश, कौशिक, जसबीर सिंह, काफी बच्चों ने आंसर किया होगा, रशपाल ने काफी पहला करता से आंसर, हाँ जी बिल्कुल ठीक है बच्चे, या वेरी गुड, अगे देखो कंपैरिजन ऑफ स्क्वायर्स, कंपैरिजन ऑफ स्क्वायर्स दे उत्ते मतलब एक क्वेश्चन है जिहड़ा पंजाब वालिआं ने इन्ना क कसाया है, तो उस क्वेश्चन नूं समझण दे लई आपां थोड़ा जिहा वध डिटेल च समझदे आं, दो स्क्वायर्स नूं कंपेयर, दो तो वध भी हो सकदे आ, तीन स्क्वायर्स दी गल भी कर सकदे आ, दो स्क्वायर्स दी गल करदे, दो स्क्वायर्स नूं कंपेयर करना, तां मन लो अपने कोल दो स्क्वायर्स ने, मैं बना के लैके आया, वी आर हैविंग टू स्क्वायर्स जिहदीआं साइड्स की ने 2:1 दे विच, द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स इज 2:1, एग्जामिनर कहिंदा साडे कोल दो स्क्वायर ने, ओ मां दे पुत ने सानू दोवां स्क्वायर्स दी साइड्स नहीं दस्सिया किन्नियां किन्नियां ने, ओ कहिंदा दोनां स्क्वायर्स दी साइड्स 2:1 दे विच ने, हुण 2:1 की हो सकदा, जिहड़े भी दो नंबर 2:1 च होणगे इन्हां दी साइड्स हो सकदियां ने, हो सकदा इह 20 सेंटीमीटर होवे, 10 सेंटीमीटर होवे, हो सकदा इह 36 होवे, इह 18 होवे, तो जिहड़े भी दो नंबर 2:1 च होणगे इन्हां दी साइड्स हो सकदे ने, सानू सिर्फ रेशियो पता 2:1, एग्जामिनर कहिंदा द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स इज 2:1, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज एंड डायगनल्स, आपां इन्हां दे एरियाज दी रेशियो दसनी है, डायगनल्स दी रेशियो दसनी है, तां बच्चे तुसीं देखो एग्जामिनर ने जदों सानू दोनों स्क्वायर्स दे साइड्स बारे कुछ नहीं दस्या, रेशियो देती 2:1, तां तुसीं बाले चक्कर च नहीं पैना, रेशियो चैप्टर याद करो, रेशियो चैप्टर दा निचोड़ कढ़िया सी आपां कि भाई जिहड़ियां मर्जी दो चीज़ां दी गल हो रही है
चाहे दो बंदियां दी उम्र दी गल हो रही है, चाहे दो जणियां दी तनखाह दी गल हो रही है, चाहे दो स्क्वायर्स दी साइड दी गल हो रही है, सानू जो रेशियो गिवन है उसे नू वैल्यू मान लो। यही नचोड़ कटिया सी रेशियो च के भाई जो रेशियो गिवन है उसे नू वैल्यू मान लो। तो दो स्क्वायर दी साइड जे 2:1 च सानू गिवन है तो मान लो पहले स्क्वायर दी साइड 2 है, दूजे दी साइड 1 है, तो एरियाज दी रेशियो की हो जू, साइड 2 है तो एरिया 2 स्क्वायर 4, साइड 1 है तो एरिया 1 स्क्वायर 1, तो एरियाज दी रेशियो आ जू बच्चे 4:1। कहण दा मतलब जो तुहानू रेशियो गिवन है तुसी उसे नू ही साइडा मान लो, साइड्स दी रेशियो गिवन है ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ 4:1। ਡਾਇਗਨਲ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਆ ਜੂ, ਜੇ ਸਾਈਡ 2 ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਇਗਨਲ 2√2, ਜੇ ਸਾਈਡ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਇਗਨਲ 1√2, ਤਾਂ 2√2 ਤੇ 1√2 ਚ √2 ਕੈਨਸਲ 2:1। ਸਾਈਡਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜੇ 2:1 ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਇਗਨਲ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ 2:1 ਆ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ √2 ਦੋਨੇ ਪਾਸੋਂ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 2:1 ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਈਡਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹੀ ਡਾਇਗਨਲਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਜੂਗੀ, ਏਰੀਆਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਤੋਂ ਸਕੁਆਇਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਓਕੇ ਪ੍ਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਹਾਂ ਆਹ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, 3 ਸਕੁਆਇਰਸ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਦੇਅਰ ਡਾਇਗਨਲ ਇਨ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ 2:3:4। ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਸਕੁਆਇਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਇਗਨਲ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 2:3:4 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਾਇੰਡ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਦੇਅਰ ਏਰੀਆਜ਼, ਤਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਈਡਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹੀ ਡਾਇਗਨਲ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਇਗਨਲਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਉਹੀ ਸਾਈਡਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 3 ਸਕੁਆਇਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਇਗਨਲਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 2:3:4 ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ 2:3:4 ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਈਡਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ 2:3:4 ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਈਡਸ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 2 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ, 3 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ, 4 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ। ਤਾਂ ਅੰਤਰ ਆ ਗਿਆ 4:9:16, ਤਾਂ 4:9:16 ਤੁਹਾਡਾ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ। ਜੇ ਸਾਈਡਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 2:3:4 ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਰੀ ਡਾਇਗਨਲਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 2:3:4 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਾਈਡਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 2 ਸਕੁਆਇਰ 3 ਸਕੁਆਇਰ 4 ਸਕੁਆਇਰ। ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੱਚੇ 4:9:16। ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਗੁਰਵੀਰ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ, ਨੈਂਸੀ, ਅਵੀ, ਔਲਖ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ, ਜਸਬੀਰ, ਪਾਰਿਆ, ਕੌਸ਼ਿਕ, ਰਿਤੇਸ਼, ਸ਼ਵੇਤਾ, ਦੂਜੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ, ਅਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਪਠਾਨੀਆ, ਨੂਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਸਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਇੰਡ ਦਾ ਰੇਸ਼ੀਓ, ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੀਓ ਫਾਇੰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਾਹਦੀ, ਆਫ ਏਰੀਆ ਆਫ ਅ ਸਕੁਆਇਰ ਵਿਦ ਅਨਦਰ ਸਕੁਆਇਰ ਡਰੋਨ ਐਟ ਇਟਸ ਡਾਇਗਨਲ। ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੇਸ਼ੀਓ ਫਾਇੰਡ ਕਰੋ, ਕਾਹਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਫਾਇੰਡ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਫਾਇੰਡ ਕਰੋ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਦ ਅਨਦਰ ਸਕੁਆਇਰ, ਦੂਜਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਡਾਇਗਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਛ ਐਂ ਜਿਹੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਕੁਆਇਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਫਾਇੰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਡਰੋਨ ਐਟ ਇਟਸ ਡਾਇਗਨਲ, ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਡਾਇਗਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਹ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾ ਸਕੁਆਇਰ ਆ, ਆਹ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦਾ ਡਾਇਗਨਲ ਆ, ਡੋਟਡ ਲਾਈਨ ਉਹਦਾ ਡਾਇਗਨਲ ਆ, ਤਾਂ ਡਾਇਗਨਲ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਮੰਨ ਕੇ ਦੂਜਾ ਸਕੁਆਇਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕੁਛ ਇਹ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸਕੁਆਇਰ ਹੈ ਛੋਟਾ, ਆਹ ਡੋਟਡ ਲਾਈਨ ਉਹਦਾ ਡਾਇਗਨਲ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਦਾ ਡਾਇਗਨਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਇਗਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜਾ ਸਕੁਆਇਰ ਹੈ, ਵਿਦ ਅਨਦਰ ਸਕੁਆਇਰ ਡਰੋਨ ਐਟ ਇਟਸ ਡਾਇਗਨਲ, ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਡਾਇਗਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜਾ ਸਕੁਆਇਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਕੁਆਇਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਮੰਨ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡਾਇਗਨਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਡਾਇਗਨਲ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ a√2,
ਤਾਂ ਡਾਇਗਨਲ ਆਪਾਂ ਏ ਰੂਟ ਟੂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਏ ਜੇ ਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਇਗਨਲ ਆ ਗਿਆ ਰੂਟ ਟੂ। ਡਾਇਗਨਲ ਰੂਟ ਟੂ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਸਕੁਏਅਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਰੂਟ ਟੂ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੇ ਸਕੁਏਅਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਵਨ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਾਈਡ ਰੂਟ ਟੂ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਈਡ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਵਨ ਰੇਸ਼ੋ ਰੂਟ ਟੂ। ਜੇ ਸਾਈਡ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵਨ ਰੇਸ਼ੋ ਰੂਟ ਟੂ ਹੈ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੋਜੂਗੀ, ਵਨ ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਵਨ ਰੂਟ ਟੂ ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਟੂ, ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿਲ ਬੀ ਵਨ ਰੇਸ਼ੋ ਟੂ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜੂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਨ ਰੇਸ਼ੋ ਟੂ। ਹਾਂਜੀ ओके, प्रदीप कह रहा है कि पटवारी के पेपर च आया इसलिए क्वेश्चन, मतलब खासे पेपर च आया होया। अविश, रशपाल, गुरवीर, गगनदीप, प्रियंका, नैन्सी, मीनाक्षी, लवी, अमनजीत, मोहित, कौरप्रीत, पठानिया, कौशिक, श्वेता, नूर, रितेश, आर्मी बॉय, प्रियंका, जसबीर कौर, बिल्कुल ठीक है बच्चे, सारे का ऑप्शन वन रेशियो टू फस्ट ऑप्शन ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, आंसर क्लीयर है जी सारे। दिलबाग बिल्कुल ठीक है भाई। सॉरी, हाँ जी, वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से इतने अपना स्कोयर खत्म हो गया। आप जो पिछले पौने एक घंटे के पढ़िया कि मेंसुरेशन 2D के आप सब तो पहला स्कोयर पढ़ना शुरू किया। स्कोयर आप पूरा डिटेल च पढ़िया कि यार स्कोयर की होंगे, एन एनकलोज इमेज विद फोर इक्वल साइड्स जिदे चारे साइडा बराबर होंदिया ने, तो चारे साइडा बराबर भी किवें होंदिया ने, जिदे विच ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, एडजस्टेंट साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर होने का मतलब चारे एंगल 90 डिग्री दे। फिर उसके विच आपां सब तो पहला पैरीमीटर पढ़िया। पैरीमीटर की हुंदा है कि उसकी बाउंड्री की लेंथ कितनी है, तो बाउंड्री के उत्ते तो चारे साइडां ने, तो सम ऑफ ऑल साइड्स। सो जे स्क्वेयर की एक साइड ए मन्नी है तो सम ऑफ ऑल साइड्स की हो गया चारे साइडां ए ए ए ए 4a, पैरीमीटर 4a। फिर आपां डायगनल पढ़िया, डायगनल देखिया कि दो डायगनल हुंदे ए तो लैके सी तक, बी तो लैके डी तक। दोनों डायगनल दी प्रॉपर्टीज पढ़िए कि भाई दोनों डायगनल इक्वल होंगे है, 90 डिग्री से कट करते हैं, परपेंडिकुलर होंगे तो बाइसेक्ट करते हैं एक दूजे को, तो डायगनल की लंबाई कितनी निकली ए रूट टू। जो भी स्क्वायर की साइड होगी ए, उसके नाल रूट टू गुणा कर दो, डायगनल आ जूगा ए रूट टू। फिर आप एरिया पढ़िया, एरिया वैसे तो होंगे साइड स्क्वायर, भाई सानू साइड गिवन है, ए गिवन है, ए का स्क्वायर कर दो तो एरिया आ जूगा। पर डायगनल तो जो एरिया कढ़ना पै जाए तो सानू विंग बल पाउण की कोई लोड़ नहीं हैगी, हाफ डी स्क्वायर कर दो भी एरिया आ जूगा। उसके बेस से कुछ क्वेश्चन किए तो इतने तक आप क्वेश्चन कर दिया, ये अपना एरिया सॉरी स्क्वायर सीगा। स्क्वायर तो बाद हुण आप रिकटेंगल पढ़ांगे। रिकटेंगल सब तो पहला तो रिकटेंगल दी प्रॉपर्टीज देखांगे, भाई रिकटेंगल दिखता कहे जाए, उन्होंने डिफाइन करने की कोशिश करांगे, आ सारा कुछ जिहड़ा आपां स्क्वायर च कढ़िया रिकटेंगल च भी कढ़ांगे। पर उहदे नाल नाल आपां इह देखांगे कि भाई स्क्वायर पढ़ चुके रिकटेंगल पढ़न लग्गिआं इन्हां दे किन्ने क लक्षण मिलदे ने, कित्थे कित्थे डिफरेंस है, वह भी देखांगे, फिर सौखा हो जूगा समझना। तो बच्चे रिकटेंगल ते आ जाओ। रिकटेंगल की हुंदा, आ एक रिकटेंगल की इमेज बनी हुई है यार, मोटे रूप च दसा स्कोयर ते रिकटेंगल चाचे ताए दे मुंडे ने, मोस्टली सिमिलैरिटीज ने, इक्को जे लक्षण ने, दो थावां ते डिफरेंस है, सिर्फ दो थावां ते दो प्रॉपर्टीज दे विच स्कोयर ते रिकटेंगल अलग अलग ने, बाकी सारा कुछ ही सेम आ। रिकटेंगल नूं किवें डिफाइन करांगे, उस तो पहला मैं स्कोयर याद करवाउणा, स्कोयर की सी, इट इज एन एनकलोज्ड, मैं स्कोयर दसन लग्गिया, इट इज एन एनकलोज्ड इमेज विद फोर इक्वल साइड्स, स्क्वायर चार साइडां सी, चार इक्वल सी। रिकटेंगल की है, इट इज एन एनक्लोज्ड इमेज विद फोर साइड्स, फोर इक्वल नहीं हैगियां, स्क्वायर च चार इक्वल सी, रिकटेंगल च चार इक्वल नहीं हैगियां, पहला फर्क तां इत्थे आ गया। तां इट इज एन एनक्लोज्ड इमेज विद फोर साइड्स इन विच, जिहदे विच ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, आ ऑपोजिट है इक्वल तां हैगियां ने, पैरेलल भी ने, आह ऑपोजिट इक्वल एंड पैरेलल, ये तो स्क्वायर दे विच भी सी, ऑपोजिट आर इक्वल एंड पैरेलल। एडजस्टेंट साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सारी एडजस्टेंट साइडा परपेंडिकुलर ने, यानी कि सारे एंगल 90 डिग्री दे ने, ए भी स्क्वायर दे विच भी सी। इत्थे की आ, इट इज एन एनक्लोज्ड इमेज विद फोर साइड्स इन विच ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल पैरेलल, एडजस्टेंट साइड्स, ध्यान नाल सुनो, एडजस्टेंट साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर बट नॉट इक्वल टू ईच अदर, एडजस्टेंट साइडा बराबर नहीं हैगी, आ ऑपोजिट का पेयर एदी अलग लंबाई है, आ ऑपोजिट का पेयर एदी अलग लंबाई है। सो इनू आपा एल दे नाल डिनोट कर लिया लेंथ, इनू आपा बी दे नाल डिनोट कर लिया ब्रेड्थ। तां बच्चे अपना रिकटेंगल की है ए बी सी डी,
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਅਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈਂਥ ਐਲ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਅਰ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੈਡਥ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੀ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰੀਮੀਟਰ, ਬੱਚੇ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀ? ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੀ ਲੈਂਥ। ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੇ ਕੀ ਨੇ? ਚਾਰ ਸਾਈਡਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਚਾਰਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦਾ ਸਮ, ਸਮ ਆਫ ਆਲ ਸਾਈਡਸ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਮ ਆਫ ਆਲ ਸਾਈਡਸ ਕੀ ਆਜੂ? ਐਲ ਪਲੱਸ ਬੀ ਪਲੱਸ ਐਲ ਪਲੱਸ ਬੀ, ਤਾਂ ਟੂ ਟਾਈਮਸ ਐਲ ਟੂ ਟਾਈਮਸ ਬੀ। ਤਾਂ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕੀ ਆਜੂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ? ਟੂ ਕਾਮਨ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲ ਪਲੱਸ ਬੀ। ਮੈਂ ਸਮਾਲ ਐਲ ਸਮਾਲ ਬੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਓ। ਐਲ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਬੀ ਬ੍ਰੈਡਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆਜੂ ਟੂ ਇੰਟੂ ਐਲ ਪਲੱਸ ਬੀ। ਡਾਇਗਨਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਡਾਇਗਨਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਡਾਇਗਨਲ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ ਡਾਇਗਨਲ ਕੀ ਸੀ? ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ ਡਾਇਗਨਲ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਪੜਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਕੋਡ ਡਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਾਇਗਨਲ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਡਾਇਗਨਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਦ ਲੋਂਗੈਸਟ ਕੋਡ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਡਰਾਉਨ ਵਿਦ ਇਨ ਅ ਰੈਕਟੈਂਗਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਕੁਆਇਰ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਕੋਡ ਡਰਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ ਡਾਇਗਨਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਕੋਡ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਡਾਇਗਨਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਡਾਇਗਨਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਕੋਡ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ? ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਰਟੈਕਸ ਤੋਂ ਜਮਾ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਵਰਟੈਕਸ ਤੇ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਗਨਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀ ਡੀ, ਇੱਕ ਡਾਇਗਨਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਨਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇਖੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੀ ਵਨ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੀ ਟੂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਡਾਇਗਨਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ? ਮੈਂ ਲਾਲ ਮਾਰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ, ਬੋਥ ਦਾ ਡਾਇਗਨਲਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਡਾਇਗਨਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਡਾਇਗਨਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਡੀ ਵਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡੀ ਟੂ। ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਡਾਇਗਨਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਡਾਇਗਨਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਈਸੈਕਟ ਈਚ ਅਦਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾਲ। ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਡਾਇਗਨਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਸੀ। ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਡਾਇਗਨਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਸਕੁਆਇਰ ਤੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਸਾਈਡਾਂ ਇਕੁਅਲ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਚ ਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਇਕੁਅਲ। ਲੈਂਥ ਆਪਸ ਚ, ਬ੍ਰੈਡਥ ਆਪਸ ਚ ਇਕੁਅਲ, ਲੈਂਥ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡਥ ਆਪਸ ਚ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਸਕੁਆਇਰ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ? ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਡਾਇਗਨਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਸੀ। ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਐਂਗਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਡਾਇਗਨਲ 'ਚ ਐਂਗਲ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਲੈਂਥ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡਥ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆ ਐਂਗਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ 90-90 ਡਿਗਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸਕੁਆਇਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ, ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਨਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਦੋ ਡਾਇਗਨਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਡਾਇਗਨਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਦੋ ਡਾਇਗਨਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਡਾਇਗਨਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਆਪਾਂ ਲੰਬਾਈ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਆ ਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਏ ਬੀ ਸੀ। ਏ ਬੀ ਸੀ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ, ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਸ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੇਸ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਸਕੁਆਇਰ। ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਸ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਇਗਨਲ। ਤਾਂ ਡਾਇਗਨਲ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੇਸ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਬ੍ਰੈਡਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਲ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ ਬੀ ਸਕੁਆਇਰ ਆ ਗਿਆ। ਡਾਇਗਨਲ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਲ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ ਬੀ ਸਕੁਆਇਰ, ਤਾਂ ਡਾਇਗਨਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਜੂ? ਐਲ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ ਬੀ ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਨਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੱਸਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀ ਲੈਂਥ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡਥ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ, ਹਲੇ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੱਸੂਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲੈਂਥ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡਥ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਨਲ ਕੱਢਣਾ, ਤਾਂ ਡਾਇਗਨਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਫ ਐਲ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ ਬੀ ਸਕੁਆਇਰ। ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਲਾਈ ਹੈ, ਡਾਇਗਨਲ ਨਿਕਲ ਆਊਗਾ। ਦੇਖਦੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਏਰੀਆ, ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ? ਲੈਂਥ ਇੰਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ। ਇੱਕੋ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਐਲ, ਇੱਕੋ ਦੀ ਬ੍ਰੈਡਥ ਹੈ ਬੀ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਆਜੂ ਲੈਂਥ ਗੁਣਾ ਬ੍ਰੈਡਥ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਗਰਾਰੀ ਫਸ ਗਈ ਡਾਇਗਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਡਾਇਗਨਲ ਬੱਚੇ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਫ ਐਲ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ ਬੀ ਸਕੁਆਇਰ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ।
तो आप एक एग्जाम्पल करते हैं, मैं एग्जाम्पल लाल मार्कर दे नाल लिख भी दिना। मान लो तुहानू गिवन है कि किसी ट्राइंगल की लेंथ 30 सेंटीमीटर गिवन है, ब्रेड्थ 16 सेंटीमीटर गिवन है, तो सानू कहिंदे डायगनल दसो जी की होगा। आ वैसे ही आपां क्वेश्चन बना लिया कि सानू कहिंदे किसी ट्रायंगल की लेंथ 30 आ, ब्रेड्थ 16 है, तो डायगनल दसो। तो बच्चे आपां की करना है, आपां करना है डायगनल किहदे बराबर पढ़िया पाइथागोरस थ्योरम ला के, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एल की वैल्यू 30 है तो 30 स्क्वायर, ब्रेड्थ की वैल्यू 16 है तो 16 स्क्वायर, उन्हां नूं जोड़ लांगे। 30 स्क्वायर 900 हो गया, 16 स्क्वायर 256 हो गया, जोड़ के 1156, 900 ते 256, 1156 बन गया। उहदा स्क्वायर रूट कर दांगे, आंसर आ जाऊगा 34। 1156 दा स्क्वायर रूट आंसर आ गया 34। पर इन्ना सौखा नहीं हैगा, इन्ना सौखा नहीं हैगा। चलो सौखा है, किसी नूं औखा नहीं लग्या। मान लो हुण जे इही क्वेश्चन साडा हुंदा कि भाई किसी रिक्टेंगल दा सानू किसी रिक्टेंगल की लेंथ दित्ती हुई है 30 सेंटीमीटर, उहदा डायगनल दित्ता होया 34 सेंटीमीटर, एग्जामिनर कहिंदा उहदी ब्रेड्थ दसो जी। चलो हुण गल करदे आ, एग्जामिनर ने सानू एक रिक्टेंगल की लेंथ गिवन है 30 सेंटीमीटर, डायगनल कहिंदे जी 34 है, ब्रेड्थ दसो। फिर ब्रेड्थ फाइंड करन वेले की करांगे आपां, ब्रेड्थ फाइंड करनी है आपां की करांगे, पहला तां आ स्क्वायर रूट तोड़ के इधर स्क्वायर करांगे, इधरों स्क्वायर रूट तोड़ के इधर स्क्वायर करांगे, क्योंकि आप बी स्क्वायर बी फाइंड कर रहे तो एल स्क्वायर इधर माइनस करांगे, तो डायगनल का स्क्वायर कितना हो जाऊ 34 स्क्वायर, वो जो एल स्क्वायर माइनस करांगे 30 स्क्वायर, वो आ जाऊगा बी स्क्वायर के बराबर। तो ब्रेड्थ फाइंड करनी है तो स्क्वायर रूट भी करते फिरांगे, मतलब वाले चक्कर च फसांगे। बोल बोल के मेरा गला थक गया, जिन्ना बोलना पै रहा, तो जो उन्ना सोल्व करना पेगा कम खराब है, समा खराब हो रहा है। सो ये कुछ सौखा चाहिए सानू, सौखा की चाहिए। मैं हूँ थोनू समझा गा बाई बन के, एडवोकेट गुरप्रीत ओके इट्स ओके कोई गल नहीं, बाई बन के कापी पेन बंद करके एक गल सुनो, सौखा करन लगे हैं मैं माड़ा जा की रब करा, आ रब कर दिना उथों एक थान लै लेना। आ देखो बच्चे पाइथागोरस थ्योरम आप की पढ़ी है, डायगनल द स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही पढ़िया। डायगनल की कोई वैल्यू होगी एल ते बी दिया कुछ वैल्यूज हो यार, मैं अपने वालों मुंह चक के कोई भी वैल्यू पुट करा इतने, मैं लेंथ नू 1, ब्रेड्थ नू 2, डायगनल नू 3 पुट करके देखा। डायगनल नू जे मैं 3 पुट कर दा तो 3 स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू लेंथ 1 है तो 1 स्क्वायर, ब्रेड्थ 2 है तो 2 स्क्वायर। मैं अपने वालों देखो ये तो पाइथागोरस थ्योरम है, डायगनल स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो पाइथागोरस थ्योरम है। उत्थे मैं लेंथ नू 1, ब्रेड्थ नू 2 ते डायगनल नू 3 पुट किया, पुट करके मैं देखा भी भाई यह सैटिस्फाई करता है, यह सही होंगे, सही देखते होंगे कि नहीं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो इधर तो ऐड करके 5 बन गया, इधर 3 स्क्वायर 9 है, ये तो सही नहीं होया, ये तो गलत हो गया। गलत हो गया तो यह मतलब कि यार आप मुंह चक के उई कोई वैल्यूज दे जावे, लेंथ ब्रेड्थ ते डायगनल नू थोड़ी सैटिस्फाई करनगे, यदा मतलब कि उई थोड़ी आप कोई भी वैल्यू कह देंगे भी आह लेंथ है जी, आह ब्रेड्थ है, आह डायगनल है, तो सैटिस्फाई हो जाऊगा, नहीं होगा। सो लेंथ ब्रेड्थ ते डायगनल दा जिहड़ी तीन वैल्यूज का सैट आ, वह कोई स्पैशल तीन वैल्यूज होणगियां ना, वह कोई उई मूँह चक के लिखिया हुई तीन वैल्यूज नहीं होणगियां, वह कोई स्पैशल तीन वैल्यूज होणगियां जिहदे नाल कि पाइथागोरस थ्योरम सैटिस्फाई होगी। तो बच्चे वह जिहड़ी तीन वैल्यूज का सैट है ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟ੍ਰਿਪਲੈਟਸ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੱਢਣਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲੈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਟ੍ਰਿਪਲੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਟ੍ਰਿਪਲੈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਿੰਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ। ट्रिपलेट इज बेसिकली तीन नंबर का सैट जो पाइथागोरस थ्योरम को सैटिस्फाई करता है। तो आप एग्जाम्पल लिखन लगे हैं ट्रिपलेट्स की, तो ट्रिपलेट्स की एग्जाम्पल है एक तो 3, 4, 5। आप पाइथागोरस थ्योरम लिख लें, डायगनल द स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप अपने वालों पाइथागोरस थ्योरम लिख लें, डी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟਸ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਿੰਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿੰਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਖ ਦੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਿੰਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ। ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖ ਲਈ 3 4 5। ਤਾਂ 3 4 5 ਦੇਖੋ, ਲੈਂਥ 3 ਹੈ ਤਾਂ 3 square 9, ਬ੍ਰੈਥ 4 ਹੈ ਤਾਂ 4 square 16, 9 ਤੇ 16 25 ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਇਗਨਲ 5 ਹੈ ਤਾਂ 5 square 25 ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ 3 4 5 ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੋ ਅੱਖਰ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟਸ ਬਾਰੇ, ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ 3 4 5 ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗੀ, ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ 3 4 5 ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ 3 4 5 ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਹੈ, ਤਾਂ 3 4 5 ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲ ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਹੈ। ਤਾਂ 3 4 5 ਜੇ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲ ਚੱਕ ਲਓ ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਹੈ। ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿਓ 6 8 10 ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਹੈ। ਤਿੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿਓ 9 12 15 ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਹੈ। 30 40 50 ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੇਸ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮਲਟੀਪਲ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ 3 4 5 ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਹੈ। 3 4 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ? 5 12 13 ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ? 8 15 17 ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ? 7 24 25 ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟਸ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲਿਖ ਲਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟਸ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨੇ 3 4 5 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ, 5 12 13 8 15 17 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ, 7 24 25 ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ 3D ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਲਿਖ ਲਈਆਂ, ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟਸ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਸੌਖੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਹ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਲੈਂਥ 30 cm ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਡਾਇਗਨਲ 34 cm ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰੈਥ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਲੈਂਥ 30 cm ਹੈ, ਡਾਇਗਨਲ 34 cm ਹੈ, ਬ੍ਰੈਥ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਲੈਂਥ 30, ਡਾਇਗਨਲ 34, ਬ੍ਰੈਥ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਲੈਂਥ, ਬ੍ਰੈਥ ਤੇ ਡਾਇਗਨਲ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਲੈਂਥ, ਬ੍ਰੈਥ ਤੇ ਡਾਇਗਨਲ ਨੇ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੈਂਥ, ਬ੍ਰੈਥ ਤੇ ਡਾਇਗਨਲ ਨੇ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 2 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਗਿਵਨ ਨੇ, ਤੀਜੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਗਿਵਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਲੈ ਲਓ। 30 ਤੇ 34 ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੀ ਆ ਗਈ? 15 ਤੇ 17 ਆ ਗਈ। 30 ਤੇ 34 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 15 17 ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਯਾਰ 15 17 ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਬਣਦਾ? ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 15 17 ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 8 ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 15 17 ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 8 ਹੋਊਗੀ ਪੱਕਾ। ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਊ? 15 ਦੀ ਅਸਲ ਵੈਲਿਊ 30 ਹੈ, ਡਬਲ, 17 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 34 ਹੈ, ਡਬਲ, ਤਾਂ 8 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 16 cm। ਇਹ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟਸ ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਆ 4 ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ। ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਆ 4 ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ, 4 ਚੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ 3 ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਚੌਥਾ ਕਦੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਵੱਲ ਝਾਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ 'ਚ ਬੋਲੋ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਕੋਈ 2 ਗਿਵਨ ਹੈ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ।
ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਭਾਈ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਜੋ ਜੋ ਪੜਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 2 × L + B, ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, L × B, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਦ ਲੈਂਥ ਆਫ ਏ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਇਜ਼ 45 cm and its diagonal is 55 cm, find the breadth of the rectangle। examiner kehnda apne kol ik rectangle hai jidi length kinni ditti hoyi hai 45 cm, jida diagonal kinna ditta hoya 55 cm। examiner kehnda ohi breadth find karo। bacche bilkul same question aa gaya, sanu pata hai length breadth te diagonal ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਲੈਂਥ ਬ੍ਰੈਡਥ ਤੇ ਡਾਇਗਨਲ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 × 2 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਗਿਵਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਗਿਵਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। 45 ਤੇ 51, 3 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 15-17 ਆ ਗਿਆ। 15-17 ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਬਣਦਾ ਬੱਚੇ? 8, 15, 17। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ 15 ਹੈ, ਇਹ 17 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਕਾ 8 ਹੋਊ। ਇਹਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। 15 ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ 3 ਗੁਣਾ, 17 ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 3 ਗੁਣਾ, ਤਾਂ 8 ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 3 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆਜੂਗਾ 24 cm। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਨੀ ਸਿੰਘ, ਨਹੀਂ ਔਖੇ ਜੇ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਬਣੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, पंजाब के पुराने पेपर च पूछा गया क्वेश्चन है। रिक्टेंगुलर पेपर यार, अपने को जी A4 साइज की शीट होंगी है, रिक्टेंगल की शेप की होंगी है। मैं इतने कढ़ लिया, मैं थोड़ा क्वेश्चन उसके नाल ही समझाऊंगा। A4 शीट जी होंगी रिक्टेंगल की शेप की होंगी है, वो गल हो रही है कि एक रिक्टेंगुलर पेपर है when folded into two congruent parts had a perimeter of 34 cm। ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਓਰੀਜਨਲ, ਇਹ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਫੋਲਡ ਕੀਤਾ, ਲੈਂਥ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਫੋਲਡ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ 34 cm ਰਹਿ ਗਿਆ ਐਂਡ ਦ ਸੇਮ ਇਜ 38 cm ਵੈਨ ਫੋਲਡਡ ਅਲੋਂਗ ਦ ਅਦਰ ਸੈਟ ਆਫ ਸਾਈਡਸ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਐ ਫੋਲਡ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ 34 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਐ ਫੋਲਡ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ 38 cm ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਰ। ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦ ਪੇਪਰ। ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਇੰਡ ਕਰਨਾ? ਏਰੀਆ ਆਫ ਦ ਪੇਪਰ। ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਫਾਇੰਡ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਤਾਂ ਜੀ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ ਪੜਿਆ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬ੍ਰੈਡਥ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਗੁਣਾ ਬ੍ਰੈਡਥ ਕਰਕੇ ਆਂਸਰ ਆਜੂਗਾ ਏਰੀਆ। ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡਥ ਫਾਇੰਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਗਿਵਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਓਰੀਜਨਲ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐ ਫੋਲਡ ਕੀਤਾ, ਲੈਂਥ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਫੋਲਡ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ 34 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਓਰੀਜਨਲ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਐਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਬ੍ਰੈਡਥ ਨੂੰ ਬੀ ਮੰਨ ਲਓ। ਓਰੀਜਨਲ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਗਾ, ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਊਂਗਾ। ਆਹ ਓਰੀਜਨਲ ਪੇਪਰ ਆ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਐਲ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੈਡਥ ਨੂੰ ਬੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲਡ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲਡ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਬਸ ਆਹ ਰਹਿ ਜੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਆਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਅੱਧੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਲੈਂਥ ਇਹਦੀ ਐਲ ਸੀ, ਫੋਲਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧੀ ਐਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਬ੍ਰੈਡਥ ਉਨੀ ਹੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਡਥ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਅੱਧਾ ਐਲ ਪਲੱਸ ਬੀ ਪਲੱਸ ਅੱਧਾ ਐਲ ਪਲੱਸ ਬੀ, ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਐਲ ਅੱਧਾ ਐਲ ਸਿੰਗਲ ਐਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੀ ਪਲੱਸ ਬੀ 2B ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਐਲ ਪਲੱਸ 2B 34 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਐ ਫੋਲਡ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਪੈਰੀਮੀਟਰ 38 ਹੈ, ਤਾਂ ਐ ਫੋਲਡ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਲਾਲ ਮਾਰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ। ਐ ਫੋਲਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਲੈਂਥ ਤਾਂ ਓਰਿਜਨਲ ਦੀ ਵੀ ਐਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਲ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਥ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੈਂਥ ਪੂਰੀ ਐਲ ਅੱਧਾ ਬੀ, ਪੂਰੀ ਐਲ ਅੱਧਾ ਬੀ, ਤਾਂ ਐਲ ਤੇ ਐਲ ਤਾਂ ਟੂ ਐਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਬੀ ਸਿੰਗਲ ਬੀ, ਤਾਂ ਟੂ ਐਲ ਪਲੱਸ ਬੀ ਇਹ 38 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਐਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬੀ ਕਰਕੇ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡਾ, ਐਲ ਤੇ ਬੀ ਕੱਢਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਐਲ ਤੇ ਟੂ ਐਲ ਹੋ ਗਿਆ 3L, ਟੂ ਬੀ ਤੇ ਬੀ ਹੋ ਗਿਆ 3B, ਤਾਂ 3L ਹੈ 3B ਹੈ, 3 ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ 72 ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਐਲ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ 3L, ਬੀ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ 3B, ਤਾਂ 3 ਕਾਮਨ ਲੈ ਗਿਆ ਐਲ ਪਲੱਸ ਬੀ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ 72, ਐਲ ਪਲੱਸ ਬੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 24। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਐਲ ਪਲੱਸ ਬੀ 24 ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਲਓ ਉੱਪਰਲੇ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ, ਐਲ ਪਲੱਸ ਬੀ 24 ਹੈ, ਐਲ ਪਲੱਸ 2B 34 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਐਲ 'ਚ ਬੀ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਐਲ 'ਚ ਬੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੀ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ 24 ਤੋਂ 34 ਬਣ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਹੋਊਗੀ, ਐਲ ਪਲੱਸ ਬੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੀ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ 24 ਤੋਂ 34 ਬਣ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ 10 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਹੈ ਤਾਂ ਐਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂ, ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਹੈ ਤਾਂ ਐਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਜੂਗੀ 14, ਤਾਂ 14 × 10 ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 140 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ, ਏਰੀਆ ਵਿਲ ਬੀ 140 ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇਗੇ, ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਈਵਨ ਆਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸਭ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਈਜ਼ੀ ਆ, ਇਹ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਦ ਏਰੀਆ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਪਲੋਟ ਇਜ਼ 1920, ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੋਟ ਆ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ 1920 ਹੈ, ਬੱਚੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਲੈਂਥ ਗੁਣਾ ਬ੍ਰੈਡਥ 1920 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਫ ਦਾ ਲੈਂਥ ਇਜ਼ 20% ਮੋਰ ਦੈਨ ਦਾ ਬ੍ਰੈਡਥ, ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਮੈਂਚੂਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰ ਯੂਜ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਲੈਂਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ 20% ਮੋਰ ਦੈਨ ਦਾ ਬ੍ਰੈਡਥ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੈਡਥ ਆਫ ਦਾ ਪਲੋਟ, ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਡਥ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਬੱਚੇ 20% ਦੀ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1/5, 1/5 ਮੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ 5 ਤੋਂ 1 ਜ਼ਿਆਦਾ, 5 ਤੋਂ 1 ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈਂਥ ਕੀ ਆ ਬ੍ਰੈਡਥ ਨਾਲੋਂ 1/5 ਜ਼ਿਆਦਾ, 5 ਤੋਂ 1 ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਬ੍ਰੈਡਥ 5 ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਂਥ 6 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਰੇਸ਼ੀਓ ਤੱਕ। ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਂਥ ਇਜ਼ 20% ਮੋਰ ਦੈਨ ਬ੍ਰੈਡਥ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਲੈਂਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਡਥ ਤੋਂ 20% ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬ੍ਰੈਡਥ 100 ਲਿਖ ਲਓ, ਲੈਂਥ 120 ਲਿਖ ਲਓ, ਬ੍ਰੈਡਥ 100 ਲੈਂਥ 120 ਲਿਖੋਗੇ, ਉਹ ਵੀ 6:5 ਆ ਜੂ ਲੈਂਥ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡਥ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਫਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 20% ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 16 2/3 ਵੀ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਝੱਕ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ 20% ਦੀ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ 1/5, 1/5 ਮੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ 5 ਤੋਂ 1 ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਡਥ 5 ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਂਥ 1 ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਲੈਂਥ 6 ਹੋ ਜੂਗੀ, ਆਹ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਥ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡਥ ਕੱਢ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ 19/20 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਏਰੀਆ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਗੁਣਾ ਬ੍ਰੈਡਥ 1920 ਆ, ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰੈਡਥ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਡਥ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਡਥ ਕਿੰਨੀ ਆਈ 5, ਰੇਸ਼ੀਓ 'ਚ ਜੇ ਬ੍ਰੈਡਥ 5 ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਅੰਤਰ ਬ੍ਰੈਡਥ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ 5 ਮਲਟੀਪਲ ਹੋ,
पांच दा मल्टीपल हो तो पांच दा मल्टीपल 32 भी नहीं हैगा 38 भी नहीं हैगा 30 या 40 चो एक ऑप्शन आऊगा। एक गल क्लीयर है कि बच्चे साडा आंसर 30 या 40 चो एक आऊगा पांच दा मल्टीपल है जिहड़ा ब्रेथ पांच दा मल्टीपल होनी है ये श्योर हो गया। 30 भी हो सकती है 40 भी हो सकती है इन्हां चो केड़ी होगी ये भी बहुत सौखा पता लग जूगा। हुण सुनो जे 30 होवे बच्चे जे ब्रेथ 30 है 30 की है 3 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੁਣ ਜੇ ਬ੍ਰੈਥ 30 ਹੈ 3 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਵੀ ਤਾਂ 3 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਲੈਂਥ ਵੀ ਤਾਂ 3 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਬ੍ਰੈਥ ਵੀ 3 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਲੈਂਥ ਵੀ 3 ਦਾ 30 ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਬ੍ਰੈਥ ਜੇ ਸਾਡੀ 30 ਹੋਵੇ 3 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਵੀ ਤਾਂ 3 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੀ ਹੋਊਗੀ लेंथ 3 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਬ੍ਰੈਥ 3 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਮਤਲਬ ਏਰੀਆ 9 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਏਰੀਆ 9 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 1920 ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਂਥ 30 ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ 40 ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਆਨਸਰ ਕੱਢਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੈਥ 5 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 32 ਤੇ 38 ਨਿਕਲ ਗਏ 30 ਤੇ 40 ਰਹਿ ਗਏ फिर ब्रैथ 5 है लेंथ 6 है आप 30 मन के चलीए तो ब्रैथ 3 का मल्टीपल तो लेंथ भी गाह 3 का मल्टीपल निकलूगी दोनों 3 का मल्टीपल तो एरिया 9 का मल्टीपल पर 1920 9 का मल्टीपल नहीं है तो यह मतलब ब्रैथ 30 गलत है 40 आंसर आ जाएगा जी क्लीयर है सारिया नू हाँ जी 40 आंसर बिल्कुल ठीक है बच्चे सारे का ਤਾਂ ਯਾਰ ਮਾੜੀ ਜੀ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਇਹ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰੋਗੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਫੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆ ਇਸੇ ਸਕੁਅਰ 'ਚ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਫੈਂਸਿੰਗ ਫੈਂਸਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਬਗਲ ਮਾਰ ਲੈਣੀ कि अपने कोल किसे भी शेप का कोई प्लाट है कोई भी थां पई हैगी आले दुआले कंध कढ लैनी आले दुआले की हुंदा बाउंड्री बाउंड्री की हुंदा पैरीमीटर तो बच्चे हमेशा याद रखना है फेंसिंग किहदे अराउंड हुंदी है फेंसिंग हमेशा पैरीमीटर दे अराउंड हुंदी है फेंसिंग हुंदी है चार दीवारी बगल मार लैनी कंध कढदे ने तो फेंसिंग हमेशा पैरीमीटर दे अराउंड तो इत्थे क्वेश्चन की है साडा रिकटेंगुलर प्लॉट हैज इट्स डायमेंशन 15 मीटर × 20 मीटर एग्जामिनर कहता अपने को रिकटेंगल की शेप का प्लॉट है जिदिया डायमेंशन ने 15-20 इफ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लॉट इज फेंसिंग का चार दीवारी का खर्चा की है 24 रुपए पर मीटर एक मीटर कंध क्ढण के 24 रुपए यह खर्चा है फाइंड द टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग फॉर फेंसिंग द प्लॉट एग्जामिनर कहता कुल कि खर्चा आऊगा यह दसो खर्चा कितना दिता है 24 रुपए मीटर मतलब जेड़े बंदे तो आप कंध कढ़वानी सी मजदूर तो वर्कर तो वह कहता भाई मैं एक मीटर कंध कढ़ण दे 24 रुपए लूंगा तुसी जिड्डी मर्जी कढ़वा लो आप अपने खर्चे का हिसाब लाना है वह बंदा एक मीटर के 24 रुपए लूगा अपना एक मीटर का 24 रुपए खर्चा है तो आप किन्ने मीटर की कंध कढ़वानी है वह पता लग जाए एक मीटर के 24 रुपए है 2 मीटर के 48 रुपए है 3 मीटर के 72 रुपए है 10 मीटर के 240 हो जाएंगे जिन्ने भी मीटर की कंध कटवानी है गुणा 24 करके आंसर आ जूगा तो किन्ने मीटर की कंध वो पता लगू पैरीमीटर तो क्योंकि फेंसिंग हमेशा पैरीमीटर के अराउंड होंगी है तो पैरीमीटर रिकटेंगल का की होंगे 2 × L+B चाहे 20+15 लिख दो चाहे 15+20 लिख दो एक ही गल है 15 × 35 × 2 = 70 मीटर बच्चे आप 70 मीटर की फेंसिंग करवानी है एक मीटर का खर्चा 24 रुपए तो 70 मीटर का खर्चा 70 × 24 = 1680 रुपए आंसर आ जूगा जी थोड़ा तो फेंसिंग बेसिकली पैरीमीटर के अराउंड होंगी है तो फस्ट ऑप्शन यह आंसर है 1680 रुपए बिल्कुल ठीक है रशपाल लवी गुरबीर समता मीनाक्षी मोहित रितेश प्रियंका शिखा जसवंत सिंह कौशिक नैंसी सिमरपाल दिलबाग सनी कौशिक बिल्कुल ठीक है बच्चे कौरप्रीत बिल्कुल ठीक है कौरप्रीत है जिहदा नाम तू मनप्रीत हैगी
जेडे स्टूडेंट का नाम कौरप्रीत है, तू मनप्रीत है, मैनू यह दस। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन आ गया लैवलिंग। यार आप फेंसिंग की बार बार गल की है सर, वोटा का हिसाब भी लो गगन। हाँ जी कमेंट सैक्शन के हिस्टरी वाले सर गगनप्रीत सर पूछ रहे हैं वोटा का हिसाब भी लाओ। माड़ा जहा बई बन के जेडे जेडे विद्यार्थी 75-80 जने बैठे ने गे जिथों जिथों के बैठे ने माड़ा जहा हिसाब दस्यो। आप अगला क्वेश्चन फिर ही करा, दसो भी वोटा का की हिसाब है। मैं उन्हें पानी पी लिया, तुम वोटा का हिसाब दसो, मैं भी सुना माड़ा जहा। अच्छा अजक सर ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, आ पाऊगी, अच्छा आ पाऊगी, सवा आऊगी, कुछ नहीं आ पू पाती थोड़ी। लवी गर्ग लहरा हलका, बीजेपी लहरा हलका केड़ा, लहरे का अगे वाला कहना संगरूर जिले च लहरा। यार सारे आप आप करी जाते हैं, तीन चार महीने साडा पेपर नहीं होंदा, हंग असैंबली गवर्नर रूल चन्नी ने मसले ही करने मोस्ट सीट्स ये तो आपू ही पर आनी नहीं। आ सनी सिंह ने बहुत सोहना अनैलिसिस किया, कहता पाई तो आपू ही वोट पर आँदी नहीं। ठीक आ मैं तो की दसा, तुम आपदा दसो आपने कि बिना स्टडी की। ठीक आ लहरे परमिंदर ढींडसा औखा लगता जित सकता, चलो ठीक है। कौशिक हाँ ठीक है, शत्राने चल ठीक आ, नबेड़ो गल। मलेरकोटला आप, मलेरकोटले आप आओ, मलेरकोटले वह नहीं जितती, रजिया नहीं जितती, आकाश जिंदल मानसे आप, मानसे कांग्रेस लगती है, मूसे वाले की सीट कन्फर्म लगती सी। खरड़ आप जा अकाली दल, अर्पण खरड़ तो है तू, ठीक है मूसे वाले कर, अच्छा ठीक है चंगी गल है जे मानसे आप नू आज, ठीक है ओके। फाजिलका आप वैसे आप च ओके, लवी कर ओके, अर्पण ओके, अर्पण मैं भी खरड़ तो हाँ पहाड़ी तो पे। चलो आप पढ़ते हैं तो अज की क्लास के आप रैक्टेंगल के जो चार सवाल रह के खत्म करने हैं। ओवर कॉन्फिडेंट बहुत है सबनों आप जी नहीं बनी बहुत जे ना बनी बेसी ओके। रोपड़ तो आप, रोपड़ तो आप ऊपने चड्डा नहीं जितता, वरिंदर ढिल्लों जितू कांग्रेस आऊगी उत्थे भी। ठीक है चलो आ जाओ अपने क्वेश्चन से वापस बच्चे। आप हमने फेंसिंग की गल करके हटे, फेंसिंग की होंगे पंजाबी गल करिए तो फेंसिंग इज बेसिकली किसी प्लाट की चार दवारी करते नहीं, कोई भी अपने को जमीन है प्लाट है उन्होंने बगल मार लेना, चार दवारी कर लेनी, कंध कढ़ लेनी बाउंड्री के उत्ते, वह होंगी फेंसिंग। तो बाउंड्री बेसिकली पैरीमीटर होंगे, सो फेंसिंग हमेशा पैरीमीटर के अराउंड होगी। इस तो बाद दूजा आ जाता मसला लैवलिंग का, लैवलिंग की होंगे, लैवलिंग यार नाम तो पता लगता, लैवल कर देना, पदरा कर देना, मतलब क्रा फेर देना। तो लैवलिंग बेसिकली होंगे कि जिहड़ी भी अपने को फील्ड है प्लाट है जमीन है उन्हें पदरा कर देना। तो पदरा की होगा, वह पूरे का पूरा एरिया पदरा होगा। तो जिमें फेंसिंग पैरीमीटर से होंगी है, लैवलिंग बच्चे एरिया से होगी। लैवलिंग हमेशा एरिया के उत्ते होंगी। एग्जामिनर कहता एक रैक्टेंगुलर प्लॉट है जिहदी डायमेंशन सानू दित्तियां ने 15x20 मीटर, उसकी लेंथ 20 है, ब्रेड्थ 15 है। तो वह कहता कॉस्ट ऑफ लैवलिंग का प्लॉट इज ₹8 पर स्क्वायर मीटर। लैवलिंग का खर्चा की है सर, झाड़ू फिरू जा नहीं, पंजाब झाड़ू झूड़ू नहीं फिरता, झाड़ू वाले तो झाड़ू फिर जूगा इतक ये लगता है। तो एग्जामिनर कहता लैवलिंग का खर्चा की है ₹8 स्क्वायर मीटर। भी भाई आप जेड़े भी बंदे तो प्लाट की लैवलिंग करवानी है वह कहता मैं 1 स्क्वायर मीटर के ₹8 लूंगा, कुल खर्चा दसो, फाइंड द टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड। तो बच्चे जे 1 स्क्वायर मीटर का खर्चा ₹8 है, आपको यह पता लग जाए कि किन्ने स्क्वायर मीटर की लैवलिंग करवानी है, 8 गुणा करके आंसर आ जाऊगा। तो किन्ने स्क्वायर मीटर की लैवलिंग करवानी है,
एरिया दी। ता एरिया की हुंदा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, 15 गुना 20 दैट इज 300 स्क्वायर मीटर दी लेवलिंग करवानी है। एक स्क्वायर मीटर दा खर्चा 8 रुपए है, ता 300 स्क्वायर मीटर दा खर्चा 300 गुना 8 ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 2400। ਕਿੰਨਵਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ 2400 ਰੁਪਏ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਚਲੋ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੱਸੋ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾਊਗਾ? ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੁਕਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਿਬੜ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜੇ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਦੰਦ ਨਾ ਕੱਢੋ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਫੈਂਸਿੰਗ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫੈਂਸਿੰਗ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੈਵਲਿੰਗ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਲੈਵਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਏਰੀਆ 'ਤੇ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲੈਵਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਲੈਵਲਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਪੇਪਰ ਸਨੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਫੈਂਸਿੰਗ ਤੇ ਲੈਵਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੈਵਲਿੰਗ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਰਪੇਟ ਵਿਛਾਉਣਾ, ਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਗਲੀਚਾ ਵਿਛਾ ਦੇਣਾ। ਯਾਰ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਰੂਮ ਹੈ ਵਿਦ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ 8x12। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਲੈਂਥ 8 ਹੈ, ਬ੍ਰੈਡਥ 12 ਹੈ। ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਕਵਰਡ ਵਿਦ ਅ ਕਾਰਪੇਟ 75 cm ਵਾਈਡ, ਕੋਸਟਿੰਗ ਰੁਪੀਸ 15 ਪਰ ਸਕੁਆਇਰ ਮੀਟਰ। ਆਹ ਗਲਤ ਲਿਖਤਾ, ਸਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਕੋਸਟਿੰਗ ਰੁਪੀਸ 15 ਪਰ ਮੀਟਰ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫੋਰ ਕਾਰਪੇਟਿੰਗ। ਬੱਚੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੂਮ ਹੈ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ 8x12। ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੇਟ ਵਿਛਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਕਾਰਪੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗਲੀਚਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦਰੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਯਾਰ ਸੌਖੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਰੀ ਵਿਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾਰਪੇਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੀ ਦਰੀ ਵਿਛਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਦਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਚ ਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੇਟ, ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਿਡਥ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, 75 cm ਚੌੜਾ ਕਾਰਪੇਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਕਵਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਵਰ ਹੋਊਗਾ? ਮੈਂ ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਹ ਆਪਣਾ ਰੂਮ ਹੈ, ਆਹ 12 meters ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਆਹ 8 meters ਉਹਦੀ ਵਿਡਥ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਰਪੇਟ ਵਿਛਾਉਣਾ 75 cm ਚੌੜਾ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਂਸਿੰਗ ਦੇਖ ਲਈ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਦੇ ਰਾਊਂਡ, ਲੈਵਲਿੰਗ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ ਏਰੀਆ ਦੇ ਰਾਊਂਡ, ਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗੀ? ਆਹ 75 cm ਚੌੜਾ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਆਹ ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਕਵਰ ਕਰਨਾ। ਆਹ ਦੂਜੀ ਲੇਅਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਆਹ ਤੀਜੀ ਲੇਅਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਚੌਥੀ ਲੇਅਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੇਟ ਵਿਛ ਜੂਗਾ, ਕਾਰਪੇਟ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਕਵਰ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਸ, ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਂਗੇ 10 minutes ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਾਰਪੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਤਾਂ ਕਵਰ ਹੋ ਜੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਪੇਟ ਜੇ 15 rupees ਪਰ ਮੀਟਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਦੱਸੋ। ਬੱਚੇ ਕਾਰਪੇਟ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਾਰਪੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਮਰਾ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਕਮਰਾ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਕਾਰਪੇਟ ਇਕੱਲਾ ਉਹਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੇ ਵਿਛਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਾਰਪੇਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 15 rupees meter। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੌਖੇ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਦੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪੱਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸੂਟ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਣਾ ਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਪੱਗ ਦਾ ਜਾਂ ਸੂਟ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਪੱਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਸੂਟ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੱਪੜਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਇੰਨਾ ਚੌੜਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕੱਪੜਾ ਐ ਖਰੀਦਣ ਗਏ ਆ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ 14 meters square ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ 18.5 meters square ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਐ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈਣਾ ਜੀ 3.5 meters ਦੇ ਦਿਓ, ਸੂਟ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈਣਾ ਜੀ 5 meters ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ 3 meters ਦੇ ਦਿਓ, ਪੱਗ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ 8 meters ਦੇ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੰਬਾਈ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਲੰਬਾਈ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੌੜਾਈ ਵਿਡਥ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆ।
ਉਹੀ ਕਾਰਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਪੇਟ ਦਾ ਖਰਚਾ 15 ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਚੌੜਾਈ ਫਿਕਸ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਸ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਾਰਪੇਟ ਦੀ, ਉਹਦਾ 15 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਾਰਪੇਟ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕੱਢਣ ਵੇਲੇ, ਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਏਰੀਆ ਮਤਲਬ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਤੇ ਕਾਰਪੇਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਕਮਰੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੋਜੂ? 12 ਗੁਣਾ 8। ਕਮਰੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈਂਥ ਇੰਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ 12 ਗੁਣਾ 8। ਤੇ ਕਾਰਪੇਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਜੂ? ਹੁਣ ਕਾਰਪੇਟ ਵੀ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਨਾ, ਕਾਰਪੇਟ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਡਥ 75 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਂਥ ਇੰਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ, ਲੈਂਥ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਡਥ 75 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 75/100 ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। 75/100 ਇਜ 3/4, ਆਹ 3 12 ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ 4, ਆਹ 4 ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਾਰਪੇਟ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂ? 4 × 8 = 32, ਆਹ ਵੀ 4 ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ 128, ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਆ ਗਈ 128 ਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੇਟ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕੱਢ ਲਈ 128 ਮੀਟਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਖਰਚਾ ਦੱਸਣਾ 15 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤਾਂ 1 ਮੀਟਰ ਜੇ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ, 128 ਮੀਟਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ? 128 × 15 ਹੋ ਜੂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ 1920 ਰੁਪਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜੂ ਤੁਹਾਡਾ 1920 ਰੁਪਏ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਹਾਂ 1920 ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, 1920 ਜਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਂਸਰ ਕੀਤਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ, ਅ ਰੂਮ ਇਜ 19 ਮੀਟਰ ਲੌਂਗ ਐਂਡ 3.5 ਮੀਟਰ ਬਰੋਡ, ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 19 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਤੇ 3.5 ਮੀਟਰ ਚੌੜਾ। What will be the cost of covering its floor with a carpet 70 cm wide? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 19 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਤੇ 3.5 ਮੀਟਰ ਚੌੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਰਪੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਿ 70 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚੌੜਾ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚਾ 95 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਰ ਮੀਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜੇ ਕਾਰਪੇਟ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗੂ, ਤੇ ਕਾਰਪੇਟ ਦੀ ਕਾਰਪੇਟ 95 ਪੈਸੇ ਪਰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ 1 ਮੀਟਰ ਕਾਰਪੇਟ 95 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, 1 ਮੀਟਰ ਦਰੀ 95 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 95 ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਸੋਰੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬੋਲ ਗਿਆ, 1 ਮੀਟਰ ਦਰੀ 95 ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਦਰੀ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਰੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਫਾਇੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਰੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਤੇ ਦਰੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਬਰਾਬਰ, ਦੋਨੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਨੇ। ਕਮਰੇ ਦਾ ਏਰੀਆ 19 ਲੈਂਥ ਹੈ, 3.5 ਬ੍ਰੈਡਥ ਹੈ, ਤਾਂ 3.5 ਨੂੰ ਮੈਂ 7/2 ਲਿਖਤਾ ਲੈਂਥ ਇੰਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ। ਦਰੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਵੀ ਲੈਂਥ ਇੰਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ, ਲੈਂਥ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਡਥ 70 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਮੀਟਰ ਚ ਲਿਖਣ ਲਈ 100 ਕਰਤਾ, 0 ਨਾਲ 0 ਹੇਠਾਂ, ਆ 7 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ, ਆ 10 ਉੱਪਰ, 10 ਕਾਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਭੇਜਣਾ, 5 ਉੱਪਰ ਭੇਜੋ, ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਆ ਗਈ 19 × 5 95 ਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੇਟ 95 ਮੀਟਰ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, 1 ਮੀਟਰ ਜੇ 95 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 95 ਮੀਟਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜੂ? 95/100 ਰੁਪਿਆਂ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਕਰਤਾ, 95 ਪੈਸੇ ਸੀਗਾ, 100 ਕਰਕੇ ਰੁਪਏ ਬਣਾ ਲਏ, 95 × 95 9025, 100 ਕਰਕੇ 90.25, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ 95 ਪੈਸੇ ਪਰ ਮੀਟਰ ਸੀ, 1 ਮੀਟਰ 95 ਪੈਸੇ ਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ 95 ਮੀਟਰ 95 × 95 ਪੈਸੇ, ਤਾਂ 100 ਕਰਕੇ ਰੁਪਏ ਬਣਾ ਲਏ, 90.25 ਰੁਪਏ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਪਠਾਣੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਮਤਲਬ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 1 ਜਾਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
कई बार दोनों 2D चो आ जाते, कई बार एक 2D चो एक 3D चो आ जाता होंगे, तो ये अराउंड जो रहेंगे। हाँ जी सी ऑप्शन सारे का 90.25 बिल्कुल ठीक आ। क्लीयर है जी सारे नू? हाँ जी अगला क्वेश्चन रिक्टेंगुलर पाथ। तो बच्चे रिक्टेंगुलर पाथ आप अगली क्लास च करांगे। अपना छुट्टी कर दो जी, तुसी भी खरड़ जाना। कर दें छुट्टी अगली पतंदरा भुलाता। अर्पण कौर मुंडा के कुड़ियां बच्चे अज की क्लास के मैंसुरेशन 2D स्टार्ट किया से, बट 2D के आप सब तो पहली स्लाइड के जे मैं वापस लेके जावा तो सब तो पहली स्लाइड के आप पढ़िया के मैंसुरेशन 2D की कुछ पढ़ना है। तो आप स्क्वेयर पढ़ना है, स्क्वेयर पढ़ लिया, रिक्टेंगल पढ़ लिया, इस तो बाद रिक्टेंगुलर पाथ रह गया अपना। तो कल वाली क्लास के आप रिक्टेंगुलर पाथ तो शुरू करांगे, फिर नाल ही सर्कल ते सर्कल दे विच सर्कल दा सैक्टर पढ़ांगे। जे तो 1.5 घंटे का इतने तक निबड़ गया तो ठीक है, नहीं तो जो समा बचा पैरलोग्राम ट्रपीजियम ते रोमबस 20 मिनटा दे विच कर लांगे आपां। अगली क्लास का सिलेबस आ हैगा। फिर तीजी क्लास दे विच बच्चे आप ट्राइंगल्स करांगे। तो इतने अपना मैंसुरेशन 2D खत्म हो जू सिलेबस। 3 क्लासा 1.5-2.5 घंटे का जिन्ना भी आपां नूं समा मिलता है 3 क्लासा दे विच आपां। ओके अर्पण हनेरा हो गया, हनेरा पतंदर 6 बजे का होया। हाँ तो 3 क्लासा दे विच आपां मैंसुरेशन 2D खत्म कर देंगे। सोमवार मंगलवार बुधवार फिर अगले सोमवार आप मैंसुरेशन 3D शुरू करांगे। होपफुली आप 2 क्लासा च खत्म करने की कोशिश करांगे। तो 4 घंटे का चैप्टर जी आप पौने 2 या 2 घंटे मिलते हुए 2 क्लासा च कढ़ के मारांगे आप। सनी सिंह मैं करवा दिना बच्चे अपना अगले हफ्ते मैंसुरेशन 3D मतलब सिलेबस लगभग सिरे चढ़ जूगा। तो सिलेबस खत्म करने वालों वधांगे। फिर सिलेबस खत्म करने तो बाद आप चैप्टर वाइज, चैप्टर भी नहीं टॉपिक वाइज, थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नूं चक के रिविजन स्टार्ट करांगे। तो बाई बन के सिलेबस आपां खत्म कर रहे हैं, तुसी भी अपने नेट ते प्रैक्टिस करते हुए रिविजन करते हुए सिलेबस एक बार खत्म करो ताकि आपां जदों प्रैक्टिस शुरू करांगे रिविजन स्टार्ट करांगे टॉपिक वाइज तुसी थोड़ा जिहा टीचर दे नाल रहो। मतलब लाइव क्लास लाई दा थोड़ा जिहा फायदा हो जाए कि भाई जिहड़ी चीज़ दी आपां रिविजन करन लगे हाँ जिहड़े भी टॉपिक दी उह एक दिन पहलां दस दिया करांगे जां दस्सिया नहीं करांगे, मैं सीधा कुछ पढ़ा दिया करूंगा उह मैं आपदा प्लैन जिहा तैयार करा लूंगा। शुभम देख लांगे उह वी आपां। तां रिविजन थोड़ी जी इस करके थोड़े लिए चंगी रहूगी जी, वो तो पहले 2 अक्षर तुम चज न पढ़ लो सिलेबस एक बार कवर कर लो। तो बाई बन के बेनती अगले हफ्ते सिलेबस नबेड़न वाले होवे, आप क्वांट्स का सिलेबस नबेड़न वाले होवे। तो बाई बन के तुम आपका आह तैयार रखियो, सिलेबस तुम भी आपका कवर करते जायो। तो रिविजन आप थोड़ी जी चंगी तरीके करते जावे। थोड़े चो कई बच्चों का नैब तहसीलदार का पेपर भी है, कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर सारे का ही है। तो आप थोड़ा जा पेपर तक चंगी तरह क्वांट्स, इस तो बाद जिन्ने पेपर आने ने उन भी आही सारा सिलेबस है थोड़ा चंगी तरह कर लेंगे तो अप टू डेट रहो। ओके थैंक यू बच्चे। ओके किसी का कोई सवाल हैगा तो दस दो माड़ा जहा कमेंट करके। DI करवावे, DI आप प्रैक्टिस के रिविजन के ही रखा। तो DI मैं छड़ता नहीं है, करवा के जरूर जाऊँगा मैं। इस तो बिना जे किसी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन हैगा हूँ कमेंट सैक्शन के पूछ लो। हाँ टॉपिक दस भी दस, मतलब वो मैं हले प्लैन तैयार नहीं किया कि रिविजन वाला रखना की है, थोनू पहला दस के उमें भी कर सकते हैं ज सीधा भी कर सकते हैं। सनी करा दूंगा छड पर जा रहा की रह गया। ओके थैंक यू बच्चे क्लास ओवर। तो आ क्लास की PDF फाइल थोड़ा हमने ग्रुप के मैथ बहुत औखा लगता लगी जाए मैं की करा। आ क्लास की PDF थोड़ा हम ग्रुप के मिल जूगी। थैंक यू।